सो लास्ट क्लास में हम लोग अमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड का चार्ज कैलकुलेट किए थे, राइट। आज का सेशन में हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्या टॉपिक हम लोग आज कवर अप करेंगे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स स्पेस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम वेयर यू विल गेट 99% क्वेश्चंस ऑन योर एग्जाम। So I'm going to cover up everything with lot of fundamental knowledge, with lot of fundamental skill. So please be careful and simply keep listening to me. Please listen to me. You will get everything done. Okay? चलो पहले मैं आपको बताऊंगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पूरा फंडामेंटल प्रोसेस क्या होता है। देखो, सो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन, मॉलिकुलर प्यूरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि ओनली प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी है, नहीं। क्रोमेटोग्राफी का थ्रू आप लिपिड को भी प्यूरिफाई कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी का थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट को भी प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है। किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ बायोफिजिकल टेक्निक थ्रू व्हिच वी प्यूरिफाई बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स इट, ओके। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का ऐसे नहीं है कि जितना सारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है सब क्रोमेटोग्राफी विल बी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नो, देयर विल बी सम अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जहां पे कॉलम यूज नहीं होता है। कॉलम मतलब जैसे ब्यूरेट देखा, ब्यूरेट टाइट्रेशन कार्ब में यूज किए थे केमिस्ट्री में, राइट। ब्यूरेट आपको पता है ना, टाइट्रेशन कार्ब में एसिड बेस, हाँ ब्यूरेट एग्जैक्टली टू लुक लाइक दिस। बट हाँ, यहाँ पे क्या है, ब्यूरेट का डायमीटर क्या है, बहुत छोटा है, पेन से थोड़ा मोटा होगा, राइट। बट यहाँ पे डायमीटर थोड़ा मोटा होगा, that's it. So diameter will be a bit wide and the column will look like that burette column only, nothing else, it will look like same. पहले इसका पूरा concept मैं आपको बताऊंगा, then I'll take you to individual chromatography, okay? चलो देखो क्या होता है। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन कहां से आएगा, what is the source of the protein? देखो बायोलॉजिकली हम लोग बेसिकली तीन टाइप ऑफ सोर्स से बात करते हैं, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स, राइट। जनरली मैं बता रहा हूं एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स एंड माइक्रोबियल सोर्स, मतलब एनिमल सेल, प्लांट सेल या तो माइक्रोबियल सेल, ठीक है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल, मान लीजिए कि ऐसा कुछ सेल है, ऐसा कुछ सेल है, यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है एंड आपने क्या, आपने एक न्यूक्लियर प्रोटीन को प्यूरिफाई करने की कोशिश करोगे, मतलब व्हाट इज योर टारगेट, यू आर प्लानिंग टू प्यूरिफाई अ न्यूक्लियर प्रोटीन फ्रॉम अ सेल, ठीक है। सो आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कहां से शुरू करोगे, मतलब व्हाट विल बी योर अप्रोच, कहां से शुरू करोगे। देखो बेसिकली क्या होता है, क्या होता है, आपने चाहे आपका माइक्रोबियल हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, आपको पहले एज ए सेल कलेक्ट करना है। व्हाट डू मीन बाय कलेक्शन ऑफ सेल्स, आपको ग्रो करना है, सेल को ग्रो करना है, ठीक है। देखो ग्रो करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्रोटीन है, ये जो रेड कलर मैंने जो जिसका मैं सिंबल दे दिया, ये जो रेड कलर प्रोटीन है, आप किसी भी प्रोटीन को प्यूरिफाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज करना है जिसका नाम है प्रोटीन एक्सप्रेशन, जिसका नाम है प्रोटीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन एक्सप्रेशन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय प्रोटीन एक्सप्रेशन। देखो कंसेप्ट बिल्ड करो, प्लीज प्लीज कंसेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं एकदम एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं एंड इतना क्लियर कंसेप्ट आपको कौन ही बताएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जब सुनोगे देन यू विल रियलाइज कि हमें कहां से शुरू किया कंसेप्ट। मान लीजिए ये है आपका टोटल जीनोम, ठीक है, मान लीजिए टोटल जीनोम है, ये टोटल जीनोम है, ठीक है, ये टोटल जीनोम। तो जीनोम में ऐसे आपको हर एक जीन मिलेगा, राइट, डिफरेंट जीन है, डिफरेंट जीन है। जीनोम इज व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, इट्स अ पूल ऑफ जीन्स, राइट। सो ये जो एक एक करके जो जीन है, इस जीन से आपको क्या मिलेगा, एमआरएनए, यहां से क्या मिलेगा? प्रोटीन, राइट राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ ए प्रोटीन। कहां से मिलेगा आपको? जीन से मिलेगा। जीन टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, राइट। अब मान लीजिए कि जीनोम में, लेट्स से जीनोम में 10,000 जीन है। सपोज 10,000 जीन सर देयर इन ए जीनोम, एनी सॉर्ट ऑफ जीनोम, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, मैं बता रहा हूं। सो व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशन कि अगर 10,000 जीन से you should get 10,000 proteins, right? Because if you believe that one gene will code for a one protein, every gene will code for a different protein, of course, via mRNA, of course. मतलब gene to mRNA, mRNA to protein. So अगर genome में 10,000 genes है, you should expect 10,000 proteins, right? You should expect 10,000 proteins. Now the thing is, now the question is, do you think at any point of time cell में 10,000 proteins होगा? क्योंकि सेल में तो जीनोम है जिसमें 10,000 जीन्स है। सो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? अगर 10,000 जीन्स है तो एवरी जीन विल प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोटीन, सो आई शुड गेट 10,000 प्रोटीन्स एट ए टाइम एंड एनी टाइम। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू दैट यू विल गेट एनी प्रोटीन एनी पॉइंट ऑफ टाइम? नो. The answer is absolutely not. It is not possible. Now the question is why? देखो एक छोटा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा आपको रिलैक्स भी लगेगा एग्जाम्पल सुन के एंड आपको थोड़ा एनर्जी भी आएगा। घर में जो लोग थोड़ा खाना बनाते हैं, जो लोग खाना नहीं बनाते हो पता नहीं है, बट जो लोग खाना बनाते हैं किचन में जब जाओगे देखोगे कि घर में, मैं घर का बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हू आर स्टेइंग इन यू नो पीजी और हॉस्टल। घर में बहुत सारे खाना रहता है ऑलरेडी, मतलब रॉ मेटेरियल रहता है, रॉ मेटेरियल। आपको चावल चाहिए, रोटी चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग यू नो फ्रूट्स है, बहुत सारे मेटेरियल्स होता है, राइट। बट इतना सारा मेटेरियल्स है, बट आपको क्या लगता है सारे चीज आप एक दिन प्रिपेयर करते हो? मतलब एक दिन आप राइस भी कर रहे हो, रोटी भी कर रहे हो, मान लीजिए ब्रेकफास्ट में आप कॉर्नफ्लेक्स भी खा रहे हो और भी कुछ कर, मतलब जितना सारा चीज है आपका घर में, क्या आप हर एक टाइम पे सारे खाना बना रहे हो? आपका किचन में तो सब कुछ है, आपका किचन में सब कुछ है, बट आप ब्रेकफास्ट में चावल खाते हो। आप ब्रेकफास्ट में मान लीजिए कुछ ब्रेकफास्ट वाला आइटम खा रहे हो, राइट। आप ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट वाला आइटम खा रहे हो, लंच वाला आइटम ब्रेकफास्ट में नहीं खाते हो ना जनरली, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? किचन में बहुत सारा आइटम है, बट इस टाइम पे कौन सा खाना बनाना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। कि अभी ब्रेकफास्ट है, थोड़ा रोटी खा लेंगे, उधर बटर भी है या तो किसी को यू नो कॉर्नफ्लेक्स भी है। तो जब ब्रेकफास्ट का टाइम है ब्रेकफास्ट वाला मेटेरियल आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब लंच का टाइम है लंच वाला मेटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, even though you have everything in your kitchen. Are you getting my point? So my point is, अगर मान लीजिए कोई लंच वाला आइटम एक्सपेक्ट करेगा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम पे, will he get? No ना। Why? किचन में तो सब कुछ है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे भी होता है। जीनोम में 10,000 जीन्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक टाइम पे, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हर एक प्रोटीन मिलेगा। That decision कि which protein to be synthesized, that decision comes from the cell signaling. सेल को किसी कंडीशन में कौन सा प्रोटीन ज्यादा चाहिए, that decision will come from cell signaling. Are you getting my point? जैसे आप मॉर्निंग में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि रोटी चावल ऐसा कुछ होगा, दाल ऐसा कुछ होगा, डोंट एक्सपेक्ट सो, ऐसा होता नहीं है जनरली, राइट। सो सेम वे मैं बता रहा हूं कि सेल में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि किसी टाइम पे हर एक प्रोटीन आपको मिलेगा, डोंट एक्सपेक्ट इट, क्योंकि सेल को हर एक प्रोटीन हर एक टाइम पे नहीं चाहिए। हर एक टाइम पे हर एक प्रोटीन सेल को नहीं चाहिए। नाउ हैव यू अंडरस्टूड? सो जिस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करोगे उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? जीनोम में तो 10,000 जीन्स है, बट कौन सा जीन एक्सप्रेस होके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन सेल सिग्नलिंग। मतलब बिना सेल सिग्नलिंग में जीन से प्रोटीन होगा ही नहीं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन? तो जीन एक्सप्रेशन के लिए कुछ सिग्नल होना चाहिए सेल से कि हाँ आपको हमको अभी ए वाला प्रोटीन चाहिए, सो ये जो जीन है इसको अभी एक्सप्रेस करो। जीन एक्सप्रेस मतलब जीन से एमआरएनए होगा, एमआरएनए टू प्रोटीन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जीन है इसका मतलब ये नहीं है कि जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन भी है। नो, इट इज नॉट। जीन है, जीन तो डेफिनेटली है क्योंकि क्रोमोसोम में तो आपको जीन मिलेगा डेफिनेटली, बट जीन से अगर आपको प्रोटीन चाहिए, दैट जीन शुड बी ट्रिगर्ड एज एक्सप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। अगर जीन को आप एक्सप्रेस नहीं किया तो आपको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। आप प्रोटीन क्या प्यूरिफाई करोगे? छोड़ दो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, पहले जीन को एक्सप्रेस होने दो, अदरवाइज प्रोटीन कहां से आएगा? नाउ अंडरस्टूड द कोर। कहां से शुरू होता है? शुरू होता है जीन एक्सप्रेशन से। अब मैं आपको बता रहा हूं दो चीज। आप देखोगे कि और थोड़ा और फानी एग्जांपल में दे देता हूं, आपको और भी अच्छा लगेगा। मिडिल क्लास फैमिली में ऑन एन एवरेज एवरी डे, मतलब चाहे लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, ऐसा कुछ टाइम पे जनरल हम लोग कुछ खाना जो कि ऑलमोस्ट एवरीडे खाना खाते हैं, मान लीजिए कि रोटी चावल दाल ऐसा कुछ जो कि नॉर्मली होता है, हर एक दिन ऐसे होता है, हर एक दिन ऐसे कंटिन्यू होता है, राइट। बट मान लीजिए कि किसी दिन आप किसी रिलेटिव को बुलाया, रिलेटिव को इनवाइट किया, या तो किसी दोस्त को इनवाइट किया, तो आप कोशिश करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना लाने के लिए, राइट। मतलब कुछ स्पेशल आइटम होता है कि नहीं? कुछ स्पेशल आइटम होता है। क्यों स्पेशल आइटम हुआ? क्योंकि आपने किसी को इनवाइट किया। दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिंग। मतलब आप रिलेटिव को इन्वाइट किया या तो आप दोस्त को इन्वाइट किया, बिकॉज ऑफ दैट you have prepared something special menu for him or her. So, अगर रिलेटिव नहीं आते तब तो जैसे खाना खा रहे थे ऐसे खाना बनता। एग्जैक्टली सेम चीज सेल का भी होता है। सेल का अपना सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोटीन ऑन डेली बेसिस चाहिए, कुछ प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए। उसके लिए कोई एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल को सर्वाइव होना है, तो सेल को सर्वाइव होने के लिए कुछ प्रोटीन हमेशा चाहिए। तो उसका जो एक्सप्रेशन है, जीन से जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन्स। नाम तो सुना है, हाउसकीपिंग जीन्स, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, राइट। कंस्टिट्यूटिव मतलब ऑलवेज उसका और कोई एक्सटर्नल सिग्नल नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोटीन होता है जिसका जरूरत हमेशा पड़ता है सेल को, फॉर देयर डेली सर्वाइवल, फॉर देयर डेली एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एन एग्जांपल, मैं कुछ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सेल डिवीजन, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में जो जो प्रोटीन इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन में जो जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उसको हमेशा सेल को चाहिए, राइट, क्योंकि दैट विल हेल्प इन द सेल डिवीजन प्रोसेस। तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा, दैट एक्सप्रेशन विल कम अंडर कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल। दीज आर ऑलमोस्ट लाइक नेचुरल प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस अगर नहीं होगा तो एटीपी कहां से आएगा, एनर्जी कहां से आएगा? हाउ विल सेल सर्वाइव? सेल कुछ भी करे, हर एक स्टेप में उसको एटीपी चाहिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। एटीपी चाहिए फॉर एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एटीपी तो प्रोडक्शन भी करना है सेल को। अगर सेल के पास एटीपी है, देन सेल कैन यूटिलाइज दैट एटीपी फॉर एनी पर्पस, राइट। तो सेल को पहले एटीपी प्रोड्यूस करना है, देन सेल विल थिंक ऑफ यूटिलाइजिंग इट। यूटिलाइजेशन तो बाद में होगा, पहले एटीपी को प्रोड्यूस करो। तो एटीपी प्रोडक्शन कहां से होगा? ग्लाइकोलिसिस से होगा, टीसी साइकिल से होगा। which are natural process. That's why you will see glycolytic जो enzymes है, majority of them will come under constitutive expression. क्योंकि सेल को हमेशा एटीपी का जरूरत है. Are you getting my point? सेल को हमेशा एटीपी का जरूरत है, इसीलिए ग्लाइकोलाइटिक जो एंजाइम्स है उसका जो एक्सप्रेशन है दैट विल कम अंडर कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन. लाइक अब देखो, आपको शायद पता चलेगा कि व्हाट डू मीन बाय कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑन ग्लाइकोलाइसिस लेवल. आपको शायद इतना ही पता है कि अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ खाना खा लिया, कार्बोहाइड्रेट डाइट किया, तो मेरा कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज आएगा, अल्टीमेटली मेटाबोलाइज्ड होके तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा. शायद आपको मतलब आप ऐसा सोचते हो कि कार्बोहाइड्रेट खाना खाया मतलब मेरा ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू थिंक इट कि अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया, राइस खाया, रोटी खाया, ब्रेड खाया, तो मेरा ग्लाइकोलाइसिस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट विल बी अल्टीमेटली मेटाबोलाइज्ड टू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलाइसिस विल स्टार्ट. इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है. क्यों? ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए, अगर मैं सिर्फ ग्लूकोज से पाइरूवेट तक ही सोचूं, ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए आपको 10 एंजाइम्स चाहिए. लेट्स से हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज, ये सब प्रिंसिपल एंजाइम हो गया, बाकी सारा एंजाइम आपको चाहिए. वो एंजाइम आपको कहां से मिलेगा? बताओ कहां से मिलेगा आपको हेक्सोकाइनेज? आपको ग्लूकोज कहां से आया? रोटी से मिला, राइस से मिला ग्लूकोज, फाइन, ब्रेड से मिला ग्लूकोज, फाइन, बट फ्रॉम वेयर यू गेट हेक्सोकाइनेज? ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए हेक्सोकाइनेज भी चाहिए, राइट? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज चाहिए, वो कहां से आएगा? आपको क्या लगता है सेल में हमेशा हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज, ये सब का लेवल हमेशा हाई रहता है? हमेशा हाई रहता है कि हाँ, कब जब भी ग्लूकोज आएगा मेरा काम यह है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, एकदम रेडी है, तैयार होके कि जैसे ग्लूकोज आएगा मैं कन्वर्ट कर दूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्लूकोज आएगा इंस्टेंट डाइट से, बट हेक्सोकाइनेज इंस्टेंट डाइट से नहीं आएगा. हेक्सोकाइनेज क्या है? इट्स एन एंजाइम. हेक्सोकाइनेज कहां से आएगा? हेक्सोकाइनेज जीन से आएगा. हेक्सोकाइनेज जीन है, हेक्सोकाइनेज जीन टू हेक्सोकाइनेज mRNA, हेक्सोकाइनेज mRNA टू हेक्सोकाइनेज एंजाइम. सेम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का जीन है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का mRNA, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज एन एंजाइम. नाउ द क्वेश्चन इज हु विल मेक श्योर कि हाँ अभी सेल का सिचुएशन ऐसा है कि हमको हेक्सोकाइनेज का भी जरूरत है एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का भी जरूरत है. हु विल पास दिस सिग्नल? हु विल पास दिस सिग्नल? अच्छा, अब एक बात बताओ, ग्लाइकोलाइसिस शुरू करना है, ये सिग्नल कौन देगा? हु विल गिव द सिग्नल कि हाँ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस? हु विल गिव द सिग्नल? इंसुलिन. अंडरस्टूड द लिंक? अब जैसे ही डाइट से कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइट मेटाबोलाइज्ड होकर ग्लूकोज में आ गया, ब्लड में आ गया ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज लेवल एक्सीड किया, हु विल सेंस इट? इंसुलिन विल सेंस इट. इंसुलिन विल कैरी दिस इंफॉर्मेशन टू इंसुलिन रिसेप्टर कि कुछ करो. इंसुलिन विल गो एंड बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर. जैसे इंसुलिन विल बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर, दिस इज नोन एज अपस्ट्रीम सिग्नलिंग. मतलब सिग्नलिंग शुरू हुआ है. व्हाट इज द सिग्नल हियर? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज द सिग्नल. Who will carry this signal? Insulin. Insulin जाके इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा कि आप कुछ करो. इंसुलिन रिसेप्टर क्या करेगा? डाउनस्ट्रीम में जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग, रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, रिसेप्टर विल फर्दर एक्टिवेट सो मेनी डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल. आप शायद GPCR सिग्नलिंग में पढ़े होंगे, राइट? GPCR सिग्नलिंग. सो सेम, हर एक सिग्नलिंग में सेम चीज होता है. जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में और भी छोटा 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 और कितना सारा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होगा. एंड फाइनली क्या होता है? व्हाट हैपेंस फाइनली? जीन एक्सप्रेशन होता है किसी ना किसी जीन का. समझ रहे हो? So insulin receptor will make sure hexokinase gene should be expressed, phosphofructokinase gene should be expressed, pyruvate kinase gene should be expressed. So the who is the one who will bring the signal? Insulin. So सेल में जैसे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, who will be the one who will sense it? Who will sense? यहाँ यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया, इंसुलिन विल सेंस इट. सो इंसुलिन का काम होगा कि अगर हमको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को अगर हमको एक्टिवेट करना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि हेक्सोकाइनेज का लेवल भी हाई होना चाहिए, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का लेवल भी हाई होना चाहिए. सो हु विल मेक श्योर इट? इंसुलिन. By binding to insulin receptor in the downstream signaling, all the gene expression will start. आप समझ में आ रहे? So ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा सारे एंजाइम का जो कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तभी जाके ग्लाइकोलिसिस होगा. ऐसा नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट खाना खा लिया मतलब आपका ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाएगा. नो, अरे आपके पास सफिशिएंट हेक्सोकाइनेज होना चाहिए तभी तो ग्लाइकोलिसिस शुरू होगा. समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? So that's why you need to express a gene. Now, ये जो इतना सारा जीन है, कुछ जीन का प्रोडक्ट सेल को हमेशा चाहिए, डेली बेसिस चाहिए फॉर देयर ओन सर्वाइवल. जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको सेल डिवीजन वाला प्रोटीन. सिमिलरली ग्लाइकोलिटिक वाला जो एंजाइम्स है, दे विल आल्सो कम अंडर एवरीडे रेगुलर प्रोसेस, मतलब कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन. बट कुछ कंडीशंस ऐसे है, कुछ कंडीशंस ऐसे है जहां पे आपको क्या करना है कि एक इंड्यूसर आएगा. आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस दिन आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करोगे या तो रिलेटिव के इनवाइट करोगे, यू विल प्रिपेयर सम स्पेशल मेनू, राइट? सेम थिंग होता है जब मान लीजिए सेल में कुछ सडन चेंजेस हुआ. व्हाट आर द सडन चेंजेस? व्हाट आर द सडन चेंजेस? फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया. ठीक है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया. मान लो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, मान लीजिए ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया. एक तो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस वाला. तो ग्लाइकोलिसिस का थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो ग्लाइकोलिसिस का थ्रू? ग्लूकोज का लेवल थोड़ा कम कर सकते हो, राइट? क्योंकि ग्लूकोज विल बी चैनलाइज्ड टू पाइरूवेट एंड ऑल. और भी एक प्रोसेस है, क्या कर सकते हो? यू कैन कीप ग्लूकोज आउट ऑफ द सेल, व्हिच इज कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. सेल से बाहर कर दो, बस काम खत्म, राइट? सो मतलब एज लॉन्ग एज ग्लूकोज रिमेन्स इनसाइड द सेल, इट विल बी हार्मफुल. मतलब अगर इफ इट एक्सीड्स मोर देन द लेवल, बट जो ज्यादा अमाउंट है उसको अगर सेल से बाहर कर दिया तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड, राइट? उसके लिए किसका हेल्प चाहिए? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. अब देखो एक ट्रांसपोर्टर का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर? ट्रांसपोर्टर इज अ प्रोटीन. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ प्रोटीन. आप मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ग्लूट 2 ग्लूट 3 ग्लूट 4. नाम सुना? ये सब नाम सुना आप? ग्लूट 2 ग्लूट 3, ये सब नाम सुना आप? ये सब क्या है? दीज आर ऑल प्रोटीन्स. ये सब प्रोटीन कहां से आएगा? ग्लूट 2 जीन है, ग्लूट 3 जीन है, ग्लूट 4 जीन है. उसको एक्सप्रेस करना है, सो दैट ट्रांसपोर्टर विल बी एक्सप्रेस्ड. Are you getting my point? ट्रांसपोर्टर will be expressed. So आप देखो यहां पे कौन है एक्सटर्नल फैक्टर? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई ग्लूकोज लेवल. सो हाई ग्लूकोज लेवल विल एक्ट एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू अंडरस्टूड इट? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अच्छा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या है? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बहुत सिंपल है. अपस्ट्रीम मतलब जो चीज आप पहले करते हो, डाउन मतलब जो चीज बाद में होता है. सिंपल. आप मतलब जो चीज पहले करते हो, डाउन मतलब उसके बाद जो होता है. मोबाइल में रिचार्ज किया मतलब यू नो समथिंग, सम अमाउंट आपने पे किया, दैट इज अपस्ट्रीम. मोबाइल जैसे रिचार्ज हो गया, देन यू कैन स्टार्ट ब्राउजिंग, यू कैन मेक फोन कॉल एंड ऑल दोस थिंग, दैट इज डाउनस्ट्रीम. अंडरस्टूड? सो बेसिकली जो चीज पहले होता है अपस्ट्रीम, जो बाद में होता है डाउनस्ट्रीम. नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड विद यार बाबा बहुत डिफिकल्ट. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल. अगर आप सिंपल वे में समझोगे ना, यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड. सो ये जो ग्लूट का एक्सप्रेशन हो रहा है, दैट विल नॉट कम अंडर कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन. that will come under inducible expression. So there are two type of expression, या तो constitutive expression या तो inducible expression. Understood? So for inducible expression you need an inducer. In this example, what is the inducer here? High glucose level is the inducer. Are you getting my point? High glucose level is the inducer. So high glucose level हमेशा नहीं होगा. High glucose level हमेशा नहीं होगा. Are you getting my point? High glucose level हमेशा नहीं होगा. जब होगा तब एज ए इंड्यूसर काम करेगा वो. जैसे आई एम श्योर यू विल नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स एवरीडे, राइट? हो सकता है कि कोई है कि हाँ सर मैं तो दोस्त को हर दिन बुलाता हूँ. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई मीन इट्स अ जोक एपर्ट्स. सो इंड्यूसर का प्रेजेंस में कुछ स्पेशल जीन है, उसका एक्सप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड? नाउ कम टू द पॉइंट. हम लोग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे. सो मान लीजिए आप लाइन पे आओ, आप अभी लाइन पे आओ. देखो मान लीजिए आपने कौन सा आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए कि आईआईटी कानपुर. ओके ठीक है, चलो आईआईटी कानपुर आप ज्वाइन किया पीएचडी में, एंड वहां पे एक न्यूक्लियर प्रोटीन आपका बॉस आपका सुपरवाइजर है, आपको बोल रहे हैं कि आपको ये न्यूक्लियर प्रोटीन प्यूरिफाई करना है, इसको प्यूरिफाई करना है, राइट? प्यूरिफाई करना है. तो अभी जो जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए सेल में उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए. अगर सेल में उसका अमाउंट ज्यादा नहीं हुआ, यू कैन नॉट प्यूरिफाई इट, क्योंकि प्यूरिफाई करने के लिए अमाउंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ज्यादा होने के लिए दैट प्रोटीन शुड बी एक्सप्रेस्ड. अगर प्रोटीन के एक्सप्रेशन नहीं हुआ, वो वाला जो जीन है जो प्रोटीन को एनकोड करेगा, अगर जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, देन हाउ विल यू गेट इन गुड अमाउंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जो कंसेप्ट बोल रहा हूं. सो आप किसी भी प्रोटीन एक्स वाई जेड को जब प्यूरिफाई करने के लिए सोचोगे, फर्स्ट थिंग शुड स्ट्राइक योर माइंड कि सेल में इसका लेवल ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं उसको प्यूरिफाई कर पाऊंगा. नाउ कम टू द पॉइंट. ये जो प्रोटीन है, आपको लगता है कि ये वाला प्रोटीन कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में है कि सेल में ऑलरेडी कंस्टिट्यूटिव लेवल पे है. अगर कंस्टिट्यूटिव लेवल पे भी हुआ, इसका एक्सप्रेशन होगा डेफिनेटली, बट आपका प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए उसका लेवल और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेल का जो कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है वो सेल का अपना हिसाब से बनाया, बट आपका प्यूरिफिकेशन के हिसाब से नहीं बनाया हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप अगर इस प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए कोशिश करोगे, देन यू नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ दिस प्रोटीन. बट शायद आप सोचोगे, आप शायद बोलोगे सर आप ही तो बोल रहे थे कि ये प्रोटीन कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में अगर हुआ, देन प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड. हाँ, प्रोटीन एक्सप्रेस कब होता है एंड क्यों होता है? कि सेल को चाहिए, तो सेल को जितना चाहिए उतना ही एक्सप्रेस कर रहे हो, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू. यू नीड मोर. सेल जितना एक्सप्रेस किया, क्योंकि सेल को पता है हमको कितना चाहिए, वो उतना ही करेगा. अंडरस्टूड? बट आपको ज्यादा चाहिए, तो यू कैनॉट रिलाई ऑन कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई एनी प्रोटीन, एज सिंपल एज इट इज. मतलब जब आप किसी प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए सोचोगे, इट हैज टू बी अंडर इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन. इट कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन. ऐसा नहीं कि हाँ सेल तो कर रहे हैं, मैं जाके उसको प्यूरिफाई कर लूंगा. नो, द अमाउंट विल बी वेरी वेरी लेस. सो आप किसी भी प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के बारे में सोचोगे, यू हैव टू रिमेंबर कि देयर शुड बी एन इंड्यूसर, सो दैट दैट प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड अंडर इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन सिस्टम. अंडरस्टूड? समझ रहे हो? अच्छा, कुछ ये लोग कुछ लिखे है क्वेश्चन, देख लेते हैं. Sir, housekeeping? Sir, housekeeping genes do not need signaling for expression. वही तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, किसी सिग्नल का जरूरत नहीं होता है, ऑलवेज होगा. मतलब मान लीजिए कि लंच में क्या बनेगा, रोटी चावल दाल, एकदम फाइनल. मतलब फाइनल इन द सेंस डेली होगा. अब सब्जी क्या बनेगा? जिसका नॉनवेज खाना है वो क्या होगा? योर मम्मा विल आस्क यू, आई एम श्योर योर मॉम विल आस्क यू क्या आज क्या खाना चाहते हो। बट उससे पहले, मतलब आपको पूछने से पहले कुछ ना तो हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपका मॉम आपको पूछेंगे कि यार आज क्या खाना चाहते हो। राइस रोटी तो होगा ही डेफिनेटली, मतलब इन मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फैमिलीज, राइट? सो लाइक दैट, फॉर दैट शी विल नेवर आस्क यू कि आज क्या बनाना है, राइट? एनीवे, सो जिस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करोगे दैट शुड बी ऑलवेज अंडर इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? समझ गया? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो मान लीजिए ए वाला प्रोटीन हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, तो हमको इंड्यूस करना है इस जीन एक्सप्रेशन सिस्टम को, सो दैट दिस प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड मोर। अंडरस्टूड? ओके, सो आप शुरू करोगे कहां से? एक तो हो गया कि हमको एक चीज पता चल गया कि जीन को इंड्यूस करना है, सो दैट इस प्रोटीन के अमाउंट भी ज्यादा होगा। इंड्यूस करना है, ठीक है? ओके, तो इंडक्शन के लिए क्या चाहिए, दैट आई विल टीच इन माई बायोटेक्नोलॉजी क्लास, क्योंकि दैट इटसेल्फ विल टेक अगेन 2 आवर्स। देन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन आज नहीं होगा, ओनली एक्सप्रेशन नहीं होगा आज, ठीक है? तो उतना आज पूरा कवर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दैट विल कम अंडर बायोटेक ऑलवेज, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है? कैसे जीन को एक्सप्रेस करोगे यूजिंग वेक्टर, हम लोग एज ए वेक्टर लेके उसको वहां पे डाल के अंडर ए डिफरेंट सिस्टम विल एक्सप्रेस इट। सो आई विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स अंडर बायोटेक। एनीवे, नाउ कम टू दिस पॉइंट। तो मान लीजिए आपका सेल में ऑलरेडी इसको इंड्यूस कर दिया, ठीक है? सेल में इसको इंड्यूस कर दिया, अब शुरू कहां से करोगे? तो पहले इसको ओवरनाइट ग्रो करो। मैंने आपको बताया था एकदम पहले, आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेल चाहिए, सो दैट एवरी सेल में उसका क्वांटिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो सेल में प्रोटीन अभी एक्सप्रेस हो गया मान लो, क्योंकि दैट इज अंडर इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसा नहीं है कि हमको किसी प्रोटीन प्यूरिफाई करना है विदाउट एक्सप्रेशन, यू विल स्टार्ट प्यूरिफिकेशन, यू विल गेट नथिंग, यू विल गेट नथिंग। इसलिए मैंने इतना टाइम देके आपको समझाया कि व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन। इसका कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं है, देन प्यूरिफिकेशन से क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि कहां से प्रोटीन आएगा। पहले सोचो कहां से प्रोटीन आएगा, बाद में सोचो प्यूरिफाई कैसे करना है, राइट? ओके, सो इस सेल में इस प्रोटीन को हमको प्यूरिफाई करना है, कैसे मैं वहां तक पहुंचू, हाउ विल आई रीच देयर? क्या करना है? पहले पहले उसको ब्रेक करो अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन को ब्रेक करो, अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल को ब्रेक करो। आप उसको ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे? डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। यू कैन यूज एंजाइम, यू कैन यूज मैकेनिकल फोर्स, यू कैन यूज वेरी प्रेस लाइक फ्रेंच प्रेस, यू कैन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रीटमेंट। देयर आर मेनी वेज टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन, टू ब्रेक द सेल वॉल एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन, फर्स्ट स्टेप विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? फर्स्ट स्टेप विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, मैं यहां से दूसरा स्लाइड ले लूं। सो ये है सेल, तो फर्स्ट आप उसको ब्रेक करो, राइट? तो फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? यहां पे आप देखोगे दो ब्लैक कैसे लेंगे, यहां पे ऐसे कुछ होगा और बाकी सब यहां पे होगा। दिस इज सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट एंड दिस इज पेलेट, दिस इज पेलेट। पेलेट मतलब जो सेडिमेंट हो गया, जिसका सेडिमेंटेशन हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है आपको डेफिनेटली डिस्कार्ड करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दिस इज इनसॉल्युबल पार्ट। ये वाला जो पार्ट है दैट इज इनसॉल्युबल, ये वाला जो पार्ट है दैट इज सॉल्युबल। अंडरस्टूड? ये वाला जो पार्ट है दैट इज सॉल्युबल। सो जो सुपरनेटेंट वाला पार्ट है दिस इज सॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल, ठीक है? एंड जैसे आप इसको पहले ब्रेक किए थे, आपको क्या मिला था? पहले जब आप ब्रेक किए थे आपको मिला सेलुलर एक्सट्रैक्ट और क्रूड extract. You should be familiar with the terms. You should be familiar with terms. कि क्या term दिया है क्वेश्चन पेपर में. सेलुलर एक्सट्रैक्ट क्या है, क्रूड एक्सट्रैक्ट क्या है. जैसे सेल का मेम्ब्रेन आप ब्रेक कर दिया, सेल वॉल का मेम्ब्रेन ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आप जो टोटल कंटेंट आपको मिला दैट इज कॉल्ड क्रूड एक्सट्रैक्ट और सेलुलर एक्सट्रैक्ट. तो क्रूड मतलब नॉट प्योर, इम्प्योर. क्रूड मतलब इम्प्योर व्हिच इज नॉट प्यूरिफाइड, व्हिच कंटेन्स मेनी थिंग्स. सेलुलर एक्सट्रैक्ट इट कंटेन्स मेनी थिंग, इट्स लाइक स्मैश्ड सेल. आप सेल को बस ब्रेक किया, दैट इज कॉल्ड सेलुलर एक्सट्रैक्ट. क्रूड एक्सट्रैक्ट मतलब सेम चीज, सेल को थोड़ा स्मैश्ड किया, ब्रेक कर दिया बस. ठीक है. इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दो ओए में यू विल सेपरेट देम. अंडरस्टूड. सो सेंट्रीफ्यूगेशन, वी डू सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर सेपरेशन, नॉट फॉर प्यूरिफिकेशन. Understood the meaning? Separation is something and purification is something. Okay? So यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं only. यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेपरेट कर रहे हैं insoluble from soluble part. अब ये जो पार्ट है सुपरनेटेंट वाला पार्ट, यही पार्ट जाएगा. आप ये जो कलम है जिसके बारे में मैं अभी आपको बात करूंगा, यह कलम, ठीक है, इस कलम में यही जाएगा. अंडरस्टूड. अब स्टोरी समझ में आया कहां से आपको कौन सा चीज कलम में डालना है, राइट? यही सुपरनेटेंट जाएगा कलम में. अब सोचो, इस सुपरनेटेंट में आपका प्रोटीन भी होगा, आपका प्रोटीन के साथ और भी बाकी सारा प्रोटीन होगा. समझ रहे हो? तो मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे 100 प्रोटीन है. थियोरेटिकली बता रहा हूं एंड एक एग्जाम्पल देके सो दैट इजीली यू विल अंडरस्टैंड. 100 प्रोटीन इसमें है. अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है. ये आपका एक कलम, ठीक है, यहाँ पे नॉब होता है, नॉब ऑन ऑफ करने के लिए, राइट? अच्छा, अब कॉलम के बारे में थोड़ा आपको मैं बता रहा हूं. देखो यहां पे हम लोग मैट्रिक्स डालते हैं. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज पॉलीसेकेराइड इन नेचर. पॉलीसेकेराइड कुछ मॉलिक्यूल जैसे एग्रोज, सेफरोज, सेलुलोज, राइट? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिख रहा हूं. दीज आर पॉलीसेकेराइड्स. इसका नेचर क्या है? पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड. फॉर एन एग्जाम्पल सेलुलोज, एगरोज, सेफरोज, राइट? दीज आर पॉलीसेकेराइड्स. तो ये सब मॉलिक्यूल का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. अच्छा, इसको हम लोग क्यों लेते हैं? क्यों पॉलीसेकेराइड? व्हाई नॉट एनी अदर मॉलिक्यूल? पॉलीसेकेराइड्स आर इनर्ट इन नेचर. यू नो द मीनिंग ऑफ इनर्ट? मतलब दे विल नॉट इंटरेक्ट विद एनीथिंग. दे विल नॉट इंटरेक्ट विद एनीथिंग. दीज आर इनर्ट मटेरियल. हम लोग इसको मैट्रिक्स में यूज कर रहे हैं, मतलब एज ए मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे मैट्रिक्स है एंड इस मैट्रिक्स का थ्रू ये सारे 100 प्रोटीन को आप पास करोगे. You will pass it through the matrix. ठीक है. So क्या होना चाहिए? मैं पहले आपको छोटा ट्रेलर बताऊंगा, देन डिटेल में ट्रेलर बताऊंगा. डिटेल में ट्रेलर नहीं, डिटेल में बताऊंगा. मैं पहले आपको ट्रेलर बता रहा हूं. ट्रेलर क्या है? इस 100 प्रोटीन में आपका प्रोटीन है प्लस 99 प्रोटीन्स है which are contaminants. कंटामिनेंट्स मतलब ये नहीं कि बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स, नो. कंटामिनेंट्स मतलब है अनडिजायर्ड प्रोटीन्स, जिसको आप नहीं चाहते हो, जिसको आप सिंपली एलिमिनेट करना चाहते हो. अंडरस्टूड. सो ये जो 100 प्रोटीन है इसमें से एक ही है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. बाकी कितना प्रोटीन है अनडिजायर्ड, बाकी कितना कंटामिनेंट्स है? 99. सो ट्रेलर में क्या होगा? ट्रेलर में ऐसे होगा, जब आप 100 प्रोटीन इससे पास कराओगे, इस मैट्रिक्स से, then only one protein that is your protein of interest will interact with the matrix, and the moment it interacts it remains stuck, वहीं पे अटक जाएगा, and बाकी 99 proteins will come out. मतलब बाकी 99 proteins matrix के साथ interaction करेगा ही नहीं. So they will come out of the matrix and आपका protein यहाँ पे as a fishing होता है ना, fishing देखा? fishing फिशिंग जानते हो ना, फिशिंग नेट। सो यहाँ पे एज ए इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे अटक जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट दैट प्रोटीन फ्रॉम दैट मैट्रिक्स, यू विल रिकवर दैट प्रोटीन फ्रॉम द मैट्रिक्स। दिस इज लाइक अ ट्रेलर। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली ये चीज कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि 100 प्रोटीन में मैट्रिक्स से पास कराऊंगा एंड ओनली माय प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विल इंटरैक्ट विद द मैट्रिक्स एंड बाकी 99 प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। ये क्या मैजिक है? हाउ इज इट पॉसिबल साइंटिफिकली? अब चलो मैं आपको दिखाता हूं पूरा डिटेल में। देखो, फर्स्ट आपको ये सोचना है ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विल रिमेन हियर, मैट्रिक्स कहीं पे नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैट्रिक्स विल रिमेन इन स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब जिसका मूवमेंट नहीं होता है, या तो इमोबाइल भी बोल सकते हो, स्टेशनरी और इमोबाइल, राइट। सो यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूं ये जो मैट्रिक्स है। अच्छा, आपको मैं अभी दूसरा पेज लेके आऊं क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी ये पार्ट लिख दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज हमको लिखना है, हमको पूरा बोर्ड चाहिए। आपको समझ में आ गया ना सुपरनेटेंट क्या है? अंडरस्टूड द सोर्स ऑफ सुपरनेटेंट कहां से आपको मिलेगा? क्योंकि आई विल स्टार्ट विद सुपरनेटेंट नाउ आई विल स्टार्ट विद सुपरनेटेंट। सो इतना जो मैंने टाइम स्पेंड किया बस आपको यही बोलने के लिए सुपरनेटेंट क्या है, समझ रहे हो? नाउ यू कैन इजीली से व्हाट इज द सुपरनेटेंट? सुपरनेटेंट इज द सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ओवरनाइट ग्रोन सेल। आपको सेल को कल्चर करना पड़ेगा, राइट? चाहे वो माइक्रोवेल सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, उसको आपको कल्चर करना है ओवरनाइट। सम टाइम पीरियड होगा डेफिनेटली हर एक सेल का। ओवरनाइट ग्रो करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करोगे, क्योंकि उसको सेल जो मेम्ब्रेन है सेल वाले व्हाटएवर उसको ब्रेक करने के बाद आप सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेंट जो है, सुपरनेटेंट मतलब जो सॉल्युबल फ्रैक्शन, देखो सॉल्युबल लिखा, जो सॉल्युबल फ्रैक्शन है दैट विल बी लोडेड इन द कॉलम। नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज द सोर्स ऑफ सुपरनेटेंट, राइट? सो नाउ विल राइट दिस मैट्रिक्स इन अ फ्रेश पेज। ओके, हाँ, गुड क्वेश्चन प्रगति, उसी पे मैं आ रहा हूं प्रगति, आप ही के क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं, ठीक है? चलो तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, राइट? ये है आपका मैट्रिक्स एंड यहां पे आप डालोगे सुपरनेटेंट, यहां पे आप डालोगे सुपरनेटेंट, राइट? अब देखो ये मैट्रिक्स क्या है, क्या बताया मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में? मैट्रिक्स विल बी इन सुपर, मैट्रिक्स विल बी इन स्टेशनरी फेज। और इमोबाइल फेज, अब देखो ये जो प्रोटीन है सुपरनेटेंट मतलब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली प्रोटीन मिक्सचर, राइट? सो दिस विल पास थ्रू, दैट मीन्स दिस विल बी इन mobile phase, understood? This will pass through, matrix stationary में है, this will be, this will pass through. So protein mixtures will be in mobile phase, protein mixture will be in mobile phase and matrix will be in stationary phase. Is it clear to all of you? Okay, okay. देखो मैं हर एक point को touch कर रहा हूँ, हर एक point, I am not skipping anything. I spend almost 1 hour only to make you understand what is the source of supernatant. I could have easily started with this structure itself. या हमको प्यूरिफिकेशन समझना बोलना है, राइट? तो मैं यहां से शुरू कर दूंगा कि सुपरनेटेंट लाओगे, बट आई मेड इट सो क्लियर टू यू, आपको पता चल गया कि हाँ सुपरनेटेंट का असली सोर्स क्या है, कहां से मिलेगा, सेल को कैसे एक्सप्रेस करना है, सो दैट आई विल गेट सुपरनेटेंट। ईच एंड एवरीथिंग आई टॉट। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। देखो मैंने आपको बताया पिछला स्लाइड में कि मैट्रिक्स आर बेसिकली इनर्ट मॉलिक्यूल्स जो कि किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, बट अभी अभी वो भी बताया कि ये जो प्रोटीन मिक्सचर जब आप पास कराओगे, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आपका जो प्रोटीन है दैट विल इंटरेक्ट विद द मैट्रिक्स। हाउ इज इट पॉसिबल? अब देखो मैट्रिक्स अगर इनर्ट हुआ तो इट विल नॉट इंटरेक्ट विद एनीथिंग, राइट? देन व्हाई विल योर प्रोटीन इंटरेक्ट विद द मैट्रिक्स? इज देयर एनीथिंग स्पेशल? यस, देयर इज समथिंग स्पेशल। अब देखो क्या है, ये जो मैट्रिक्स मॉलिक्यूल हम लोग यूज करते हैं, पॉलीसेकेराइड लाइक सेलुलोज, एग्रोज, सेफरोज, व्हाटएवर, दे विल एक्ट एज एंकर। यू नो द मीनिंग ऑफ एंकर? किसी स्टेज में देखोगे एंकर पूरा स्टेज को मैनेज करता है, बट एक्टर एक्ट्रेस दूसरा होता है, राइट? सो ये जो पूरा स्टोरी है, यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल, एंड मैट्रिक्स है बेसिकली एंकरिंग रोल प्ले करता है। क्या होगा? बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोटोग्राफी we will use some different chemical groups. That chemical group will be attached to the matrix, and जो आप chemical group को add करोगे वही chemical group protein के साथ interaction करेगा। मतलब अगर protein के साथ matrix के interaction देखोगे, matrix interaction नहीं करेगा, matrix के साथ जो chemical आप add किया हो they will interact। Like मान लीजिए यहां पे आपने कुछ केमिकल ग्रुप ऐड किया, ठीक है, कुछ केमिकल ग्रुप ऐड किया, ठीक है, कुछ केमिकल ग्रुप ऐड किया, रेड कलर वाला। ये जो केमिकल ग्रुप है, यही केमिकल ग्रुप विल एक्चुअली इंटरेक्ट विद द प्रोटीन। नाउ आई एम श्योर योर ऑब्वियस क्वेश्चन विल बी, सर अगर मैट्रिक्स इनर्ट हुआ देन इस केमिकल ग्रुप को कैसे मैट्रिक्स से अटैच करोगे आप? दैट विल बी डन बाय कोवैलेंट अटैचमेंट। दैट विल बी डन बाय कोवैलेंट अटैचमेंट। ये जो मैट्रिक्स के साथ आप किसी केमिकल ग्रुप को ऐड कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स और चार्जिंग ऑफ द मैट्रिक्स। एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ द मैट्रिक्स, अंडरस्टूड? अब मैट्रिक्स को चार्ज कर रहे हो by adding some chemical molecule, some chemical groups. So कौन सा chemical group से आप add करोगे? जब मैं individual chromatography बताऊंगा, then वहां पे हर एक chromatography में अलग अलग मैं आपको chemical group के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे simply मैंने chemical group वाला word यूज कर रहा हूँ, जो कि हम लोग मैट्रिक्स के साथ add करेंगे, so that your matrix will be activated or charged, and आपका जो प्रोटीन मिक्सचर है आप इसका थ्रू पास कराओगे, ठीक है? अब देखो क्या होता है। तो पहले आपका नॉब पहले ऑफ रखना है, बंद रखना है, एंड सारे प्रोटीन मिक्सचर पे डाल दो। यहाँ पे सारे प्रोटीन आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोटीन आ गया। कौन सा कलर लेना है? ग्रीन कलर ले लो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन है। नाउ इस प्रोटीन के साथ यहाँ पे 100 प्रोटीन है, मान लीजिए कि 100 प्रोटीन से 100 प्रोटीन में से सिर्फ एक ही प्रोटीन है जो कि मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, मतलब मैट्रिक्स के साथ जो केमिकल ग्रुप है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, राइट? तो फॉर दैट पर्पस वी ऐड सम बफर टू फैसिलिटेट देयर इंटरेक्शन। दैट बफर इज नोन एज बाइंडिंग बफर। नाम से आपको पता चल रहा है, बाइंडिंग बफर विल हेल्प द बाइंडिंग बिटवीन योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विथ योर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? बाइंडिंग बफर विल हेल्प द बाइंडिंग बिटवीन योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विथ द मैट्रिक्स। सो बाइंडिंग बफर वी ऐड अलोंग विथ योर प्रोटीन मिक्सचर सो दैट टू फैसिलिटेट द बाइंडिंग बिटवीन योर टारगेट प्रोटीन विद द मैट्रिक्स। मान लो बाइंडिंग बफर का फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एज एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसका पीएच है 5.7, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, सिंपली नोट देखेंगे, वो सोचेंगे कि बाइंडिंग बफर का पीएच होता है 5.7। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए कि बाइंडिंग बफर का पीएच है 5.7। एनीवे, सो आप प्रोटीन भी डाल दिया, बाइंडिंग बफर भी डाल दिया। इस टाइम पे आप वेट करो 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल आप वेट करो 30 मिनट्स। जैसे 30 मिनट्स हो जाएगा आप ये जो नॉब है इसको ऑन कर दो। तो जब इसको ऑन कर दिया क्या होगा, सारे प्रोटीन मिक्सर जो था बाइंडिंग बफर में जो था प्रोटीन मिक्सर, सारे प्रोटीन मिक्सर बाहर जाएगा। मतलब जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं किया उसका मैट्रिक्स में रहने का तो और कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में कैसे रह सकता है। अगर कोई प्रोटीन अगर बाइंड है कि कोई प्रोटीन अच्छा इसमें ग्रीन कलर कर दिया सब, राइट। मान लीजिए कि इसमें एक प्रोटीन ऐसे है, ये वाला कलर नहीं, हाँ नहीं ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर कर दिया, ब्लू कलर करना है। ओके मान लीजिए कि ब्लू कलर में है, ब्लू कलर। तो मान लीजिए कि ऐसे है, देखा, देख रहे हो ना, ब्लू कलर कर दिया। सो ब्लू कलर वाला प्रोटीन आपको प्यूरिफाई करना है एंड ब्लू कलर वाला प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ अटैच्ड है। बाकी जो सब ग्रीन कलर वाला प्रोटीन था, मतलब जितना सारा डिफरेंट प्रोटीन है, सारे ग्रीन कलर वाला प्रोटीन ऐसे बाहर आ गया। बाहर तो आए गए क्योंकि मैट्रिक्स के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं किया तो बाहर आए गए। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने थ्योरेटिकल बताया, मान लीजिए कि प्रोटीन मिक्सर में 100 प्रोटीन्स है, तो यहाँ पे कितना अनडिजायर्ड प्रोटीन है, 99। तो आपको शायद लगेगा कि बाइंडिंग बफर डालने के बाद अगर ये नॉब को ओपन कर दिया तो सारे 99 प्रोटीन बाहर आ जाएगा, राइट। आप ऐसे सोचोगे ना, जैसे बॉलीवुड मूवी में होता है, डायरेक्टर जो चाहता है वही हो जाता है, राइट। 99 प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा तो बाहर आ जाएगा। इतना आसान नहीं है। अगर साइंस इतना आसान होता ना तो जैसे हर एक फ्राइडे में एक बॉलीवुड मूवी रिलीज होता है, देन ऐसे हर एक वीक में एक साइंस का पेपर निकल जाता। साइंस इतना आसान नहीं है। व्हाट इज द डिफिकल्टी हियर? आप जो सोच रहे हो कि 100 में से एक ही है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, बाकी 99 प्रोटीन विल नॉट इंटरैक्ट, बट कुछ प्रोटीन होगा जो कि थोड़ा मोड़ा करके यहां पे इंटरेक्शन दिखाएगा आपको। आप शायद सोचोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। दैट्स व्हाई साइंस इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई साइंस इज डिफिकल्ट। सो ये बॉलीवुड मूवी जैसा नहीं है कि 99 प्रोटीन से बाहर आ जाएगा। 2-3 प्रोटीन कहीं ना कहीं थोड़ा वीक इंटरेक्शन भी होता है ना। देखो इंटरेक्शन का टाइप होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी जो प्रोटीन यहां पे रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का थ्रू रहेगा, नो, बट देयर कुड बी अ चांस ऑफ वीक इंटरेक्शन एज वेल, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर वीक इंटरेक्शन। तो थ्रू वीक इंटरेक्शन 2-3 प्रोटीन यहां पे रह जाएगा। अंडरस्टूड? सो बाइंडिंग बफर जब पास कर दिया आपको, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड मेक श्योर कि इस मैट्रिक्स में ओनली आपका ही प्रोटीन है, बाकी और कोई अनडिजायर्ड प्रोटीन नहीं है मैट्रिक्स में। ये कैसे आप मेक श्योर करोगे? हाउ विल यू मेक श्योर कि मैट्रिक्स में अभी सिर्फ मेरा ही प्रोटीन हो, बाकी और कोई प्रोटीन नहीं होगा? हाउ विल यू मेक श्योर इट? हाउ विल यू कम टू नो? because you cannot see any protein through your eyes, right? you are assuming everything, you are assuming kya maine 100 protein dala tha, sirf mera protein hoga, baki sab to bahar aa jayega। you are assuming। science is not through assuming, science is something you have to realize and you have to act accordingly। matlab aapko ye bhi assume karna hai ki kuch protein yahan pe definitely hoga matrix mein through weak interaction। to abhi kya kaam karna hai? अभी जो वीक इंटरेक्शन वाला प्रोटीन यहां पे अटक गया उसको हटाना है। साइंस में उसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग। सो फॉर दैट व्हाट विल यू डू? यू विल पास वॉशिंग बफर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉशिंग बफर? टू रिमूव अनवांटेड प्रोटीन व्हिच आर समहाउ अटैच्ड थ्रू वीक इंटरैक्शंस। उसको हटाना है यूजिंग वॉशिंग बफर। So after binding buffer, the time will come to pass washing buffer. Washing buffer. अब washing buffer क्या है? Washing buffer is same your binding buffer. There is no difference between your binding buffer and washing buffer, exactly same। देन आप सोचोगे सर देन दो नाम कैसे हो गया, अगर बफर सेम है देन यहाँ पे बाइंडिंग क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे वॉशिंग क्यों बोल रहे हो? यस, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे नाम बाइंडिंग क्यों था। उस टाइम पे हम लोग चाह रहे थे कि प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स का इंटरेक्शन हो, वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट दैट इंटरेक्शन। इस टाइम पे क्या चाह रहे कि कोई भी प्रोटीन यहाँ पे ना हो, सिर्फ आपका प्रोटीन हो, बाकी अगर छोटा मोटा भी कुछ रह गया थ्रू वीक इंटरेक्शन उसको हटाना है। आप सर सोचो कि सर कैसे पॉसिबल है, हम जैसे मर्जी चाहे ऐसे थोड़ी होगा, बट कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है कैसे मैं आपको बता रहा हूं। हमने जब बाइंडिंग बफर यूज किए थे, जब बाइंडिंग बफर डाले थे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट, मैंने बोला था कि कुछ 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर के लिए वेट करना है, जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो मान लीजिए कि 15 to 30 मिनट। अगेन ये सब जो नंबर है दीज आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, दीज आर नॉट यूनिवर्सल, दीज आर आर्बिटरी वैल्यूज। तो बाइंडिंग बफर डाल के हम लोग 15 मिनट या तो 30 मिनट वेट किए थे टू फैसिलिटेट देयर बाइंडिंग। जब सेम बफर हम लोग डालेंगे फिर दूसरे बार वॉशिंग के लिए, will not wait for anything, will simply put it, let it go, put it, let it go, there will be no waiting time. Understood the difference between washing and binding? Jab binding buffer hum log diye the, we tried to facilitate their interaction. Hum log chah rahe the ki aap jab protein jaake interaction karo, hum log chah rahe the, is time pe hum log nahi chahte hain। तो हम लोग सेम बफर यूज करेंगे बट विल नॉट वेट। हाउ नॉट टू वेट? इसको ओपन रखो, आप डालो इसको ओपन रखो, तो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक, बाहर लिक्विड तो बाहर आ जाएगा, सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, बफर बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, यू माइट बी थिंकिंग कि सर जो वीक इंटरेक्शन वाला है वो कैसे हट जाएगा, वो कैसे हट जाएगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन आपके साथ इसमें अटैच्ड है, वॉशिंग बफर में कोई दूसरा बफर नहीं ऐड करना चाहिए। क्यों? ताकि आपका प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कोई दूसरा बफर डाल दिया तो आपका प्रोटीन जो ऑलरेडी अटैच्ड है दैट विल बी डिस्टर्ब। सो सेम बफर हम लोग यूज करते हैं ताकि आपका जो बाउंड प्रोटीन है दैट शुड नेवर बी डिस्टर्ब। आपको पहले ये मेक श्योर करना है कि माय प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स में अटैच्ड है, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। इसलिए आपको सेम बफर यूज करना है। Understood the purpose of having the same buffer? Now the second thing, if you run it 1 time, 2 times, 3 times, if you run it, you will see that there is no more unbound protein left in the matrix. Now again science, we are not playing with science, we are dealing with science. मान लीजिए कि वॉशिंग बफर आपने 2 बार रन किया, 3 बार रन किया, आप तो प्रोटीन को देख नहीं पा रहे हो कि मैट्रिक्स में कोई है या ना है। तो 3 बार आपका सर ने बोला, मैम ने बोला कि 3 बार वॉशिंग बफर डाल दो, 100% श्योर कि देयर विल बी नो मोर प्रोटीन लेफ्ट एक्सेप्ट योर प्रोटीन। एज ए कॉमन सेंस, एज ए कॉमन सेंस, हाउ विल यू रियलाइज दैट हां यहां पे और कोई प्रोटीन है ही नहीं? हाउ डू यू हैव एनी कॉमन सेंस? जो लोग बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में प्रोटीन एस्टिमेशन किया है यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिएजेंट, एनी सॉर्ट ऑफ रिएजेंट, ब्रैडफोर्ड यूज किया, ब्रैडफोर्ड रिएजेंट प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए ब्लू कलर आता है, ब्रैडफोर्ड रिएजेंट यूज किया प्रोटीन एस्टिमेशन में, बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज किया कि नहीं? ब्रैडफोर्ड रिएजेंट, राइट, ब्रैडफोर्ड। सो आप एक काम करो, आप पहले बाइंडिंग बफर डाले थे, पहले बाइंडिंग बफर डाले थे, जब बाइंडिंग बफर निकल रहा था, जब बाइंडिंग बफर निकल रहा था, 1 ड्रॉप किसी भायल में ले लो, 1 ड्रॉप किसी भायल में ले लो एंड ब्रैडफोर्ड रिएजेंट डालो, आप देखोगे दैट विल बिकम डीप ब्लू कलर। ब्लू कलर मीन्स देयर इज अ हेवी प्रोटीन कमिंग, इट्स कमिंग आउट। सो अब जब बाइंडिंग बफर का लास्ट ड्रॉप आ रहा था, 1-2 ड्रॉप जब आ रहा था, ब्रैडफोर्ड रिएजेंट डालो, देखोगे कि डीप ब्लू कलर आ रहे हैं, ठीक है? अब वॉशिंग बफर डालो, 1 बार डालो, 2 बार डालो, तब जब वॉशिंग बफर निकल के आ रहे थे तब देखोगे कि ब्लू कलर स्टार्ट्स फेडिंग, ब्लू कलर का इंटेंसिटी कम हो रहा है, दैट मीन्स मेजॉरिटी प्रोटीन्स आर रिलीज्ड आउट। हर टाइम वॉशिंग बफर डालोगे देखोगे ब्लू कलर और नहीं आ रहे, That means no protein is coming out. That means there is no more protein left in the matrix. जो प्रोटीन था सब निकल चुका है. Understood? This is the beauty of science. अब प्रोटीन यहां से रिलीज हो रहे कि नहीं, हाउ विल यू कम टू नो? सिंपली यूजिंग ब्रैडफोर्ड रिएजेंट. कुछ नहीं करना है, ऑन स्पॉट. आप यहाँ पे जो माइक्रोफ्यूज ट्यूब होता है ना, माइक्रोफ्यूज ट्यूब, यहाँ पे यहाँ से पकड़ो, एक ड्रॉप ले लो, यहाँ पे डालो ब्रैडफोर्ड रिएजेंट. यही पे अगर ब्लू कलर हुआ दैट मींस प्रोटीन इज स्टिल लीकिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर नहीं हो रहा है दैट मींस प्रोटीन इज नॉट कमिंग. सो सिंपल. बायोरेट यूज किया था, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, नाउ सो अब क्या है, आप समझ गया कि और कोई प्रोटीन नहीं है, सिर्फ आपका प्रोटीन है. आप इस प्रोटीन को मैट्रिक्स से निकालना है ना, मतलब यू हैव टू रिकवर दैट प्रोटीन. प्रोटीन मैट्रिक्स में अटक गया, आप उसको रिकवर करने का टाइम आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिकवर इट? फॉर दैट यू हैव टू यूज इल्यूशन बफर. यू हैव टू यूज अनदर बफर कॉल्ड इल्यूशन बफर. अब मैं आ रहा हूं इल्यूशन बफर में. आपको क्या करना है, बाइंडिंग बफर जब आप डाले थे, यू ट्राइड टू फैसिलिटेट द इंटरेक्शन बिटवीन योर प्रोटीन एंड मैट्रिक्स. इल्यूशन बफर में आप ये चाहोगे कि प्रोटीन एंड मैट्रिक्स के बीच जो इंटरेक्शन है दैट शुड बी डिसोसिएटेड. सो बेसिकली नाउ यू आर ट्राइंग टू ब्रेक देयर इंटरेक्शन सो दैट यू विल कलेक्ट योर प्रोटीन. यहां पे मतलब प्रोटीन अभी निकल के आएगा माइक्रोफिश ट्यूब में. देखो मैट्रिक्स यहीं पर आएगा, मैट्रिक्स विल नेवर कम आउट. आप माइक्रोफिश ट्यूब में यहां पे प्रोटीन को रिसीव करोगे, यू विल कलेक्ट द प्रोटीन. अंडरस्टूड? यू विल रिकवर दैट प्रोटीन. नाउ फॉर दैट यू हैव टू डिसोसिएट द इंटरेक्शन बिटवीन योर प्रोटीन एंड बाउंड मैट्रिक्स. हाउ? यहां पे रिमेंबर आपने माइल्ड एसिडिक बफर यूज किए थे to facilitate their interaction. Now you have to use mild alkaline buffer. Again ये जो मैं value लिख रहा हूं यहाँ पे कोई calculation करके नहीं बता रहा हूं, simple value में आपको लिख रहा हूं, arbitrary value कि 8.2, 8.4 भी हो सकता है. आपको एग्जाम में ऐसे नहीं कि आपको 8.2 भी देगा 8.4 भी देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा buffer सही होगा. No. They will give you one option with alkaline buffer. Don't worry. So आपको बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप बाइंडिंग जब फैसिलिटेट किए थे यू यूज्ड माइल्ड एसिडिक बफर. नाउ अभी टाइम आया उसको डिसोसिएट करने का, ब्रेक करने का, तो यू हैव टू यूज माइल्ड एल्कालाइन बफर. अंडरस्टूड? तो जब माइल्ड एल्कालाइन करोगे तो डेफिनेटली दैट विल बी डिसोसिएटेड, मतलब प्रोटीन बाउंड मैट्रिक्स से डिसोसिएट हो जाएगा. इट विल कम आउट ऑफ द कॉलम. Understood? This is the whole story regarding protein purification. ये चीज अगर समझ गया तो आप बाकी सब चीज समझ जाओगे. श्रेया सिंह सर आई एम फर्स्ट स्टूडेंट. सो व्हाट? फर्स्ट स्टूडेंट मतलब ये चीज नहीं सीखोगे, हाँ, ये थर्ड ईयर में जाके सीखोगे. ऐसे कोई रूल लिखा है कहीं पे कि आपको नहीं सीखना है? अच्छा, दीप्तांशु सर बाइंडिंग बफर वॉशिंग बफर पीएच सेम. यस, बाइंडिंग बफर वॉशिंग बफर पीएच सेम, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज पीएच विल आल्सो बी सेम 5.7. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बाइंडिंग बफर वॉशिंग बफर का तरह कैसे वर्क करेगा मैंने आपको डिस्कस किया. हाउ डू एंश्योर दैट वॉशिंग बफर डज नॉट वॉश प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, यही तो मैंने डिस्कस किया. क्या नाम है आपका? अक्षी बरुआ, राइट? यस. हाउ यू मेक श्योर, वेरी गुड. वही मैंने मेक श्योर किया ना, यूजिंग ब्रैडफोर्ड रिएजेंट, बायोरेट, व्हाटएवर. क्या आपका प्रोटीन निकल रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड? देन फाइनली जब आप प्रोटीन इल्यूशन बफर के बाद जो आप प्रोटीन कलेक्ट किए हो यहां पे, हाउ यू नो कि यहां पे प्रोटीन है कि नहीं? उसको आपको जेल रन करना है, आपको जेल रन करना है, राइट? सो यहां से आप जाओगे एचडीएस पेज, जो कि टुमारो कल का लेक्चर है. यहां से जो फाइनली आप माइक्रोफिश ट्यूब में जो कलेक्ट करोगे, हाउ विल यू नो कि वहां पे प्रोटीन है कि नहीं? स्ट्रेट अवे गो टू जेल एचडीएस पेज, जो कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, समझ गया? विक्रमजीत प्लीज डोंट आस्क ऑल दोस क्वेश्चन नाउ, अदरवाइज प्रोटीन प्यूरिफिकेशन आज नहीं होगा. because if I start talking about insulin and diabetes, then आपका protein purification गया आज, ठीक है. Anyway, I can say all those things, but I don't want actually. Are you getting my point? क्योंकि मेरा nature ये है थोड़ा ज़्यादा बोलना, हाँ. मे बी मैनी ऑफ यू डोंट लाइक कि सर आप बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, बट एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोला पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. अगर बस उतना ही पॉइंट बोल दिया ना दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए मैंने पूरा स्टोरी बना के बोल दिया, so that each and everything will be integrated in your mind. You will never forget it, isn't it? Okay. Anyway, चलो आप शुरू करेंगे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन. जो चीज आपको मैंने समझाया एग्जैक्टली सेम चीज अभी यहाँ पे फटाफट आप मैं इसको दिखाऊंगा, आप देखो कैसे होता है. तो यह मान लीजिए कॉलम, यह आपका स्टेशनरी पेज, यह है लोडेड सैंपल, ठीक है. ग्रीन कलर में आपका स्टेशनरी पेज है, सॉरी ग्रीन कलर में आपका सुपरनेटेंट है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, ठीक है. यहाँ पे लोडेड सैंपल. अच्छा, ये है मोबाइल पेज, ये है सैंपल सेपरेशन. यहाँ पे कुछ दूसरा सैंपल दे दिया, मान लीजिए एक ऑरेंज कलर, एंड ये है मोबाइल पेज. ओके, अच्छा. अब देखोगे जब इसको पास करा रहे हो, स्टेशनरी पेज जब पास करा रहे हो, पहले कुछ फ्रैक्शन कलेक्शन हुआ. कौन सा कलर का है? मोबाइल पेज. ये मोबाइल पेज में है क्या? ये मोबाइल पेज में क्या है? कौन सा कलर? बाइंडिंग बफर. बाइंडिंग बफर, बाइंडिंग बफर. जब आप नॉब को ऑन करोगे कि पूरा चीज बाहर निकल के आ जाए, फर्स्ट कौन आएगा निकल के? बफर ही आएगा. सो ये जो मोबाइल पेज जो लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली बाइंडिंग पेज. ओके, आई मीन बाइंडिंग बफर. नेक्स्ट, यहाँ पे दो चीज से आप डील कर रहे हो, एक ऑरेंज कलर एक ग्रीन कलर. आप देखो लिखा है कि ये इसका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसका वीक इंटरेक्शन है, इसका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसका वीक इंटरेक्शन है. अब जब यहां से निकलने का बात है, कौन पहले निकलेगा कौन बाद में निकलेगा? जिसका वीक इंटरेक्शन है, दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट. ऑलवेज रिमेंबर, जिसका मैट्रिक्स के साथ वीक इंटरेक्शन है, मतलब जिस प्रोटीन का मैट्रिक्स के साथ वीक इंटरेक्शन है, या तो इंटरेक्शन है ही नहीं, अगर नहीं है बिल्कुल नहीं है तो दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट. थोड़ा है, बहुत वीक है, दैट विल बी इल्यूटेड नेक्स्ट. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, उसको तो आपको फाइनली निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इल्यूटेड लास्ट. सो ये जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होगा, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर आपका जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट विल बी इल्यूटेड ऑलवेज एट द लास्ट. अंडरस्टूड? तो बेसिकली जो एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि मान लीजिए प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट में, सॉरी आपका प्रोटीन मिक्सचर में 100 प्रोटीन्स है, इसमें एक ही प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, बाकी 99 प्रोटीन्स होगा, राइट. तो पहले 99 प्रोटीन आएगा, एकदम बाद में आएगा आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे नहीं कि पहले ही आ जाएगा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट या तो बीच में आ जाएगा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, नो, इट विल नेवर हैपन. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको पहले सक्सेसफुली 99 प्रोटीन्स को एलिमिनेट करना है, 99 प्रोटीन्स को रिमूव करना है, सो दैट फाइनली यू विल रीच टू द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन? यू हैव टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी कंटामिनेंट्स, ईच एंड एवरी अनडिजायर्ड प्रोटीन्स आर आउट ऑफ योर मैट्रिक्स, सो दैट फाइनली यू विल रीच देयर, मींस फाइनली यू विल रीच टू योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है? सो ये जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन है, 100 प्रोटीन आप पास करा रहे हो कलम से, तो 100 प्रोटीन कलम के बाहर भी आना चाहिए. तो अगर आप इनपुट में 100 दे रहे हो तो आउटपुट में भी 100 होना चाहिए, राइट. इट्स अ कॉमन सेंस. अगर आप इनपुट में 100 प्रोटीन्स डाल रहे हो, आउटपुट में भी 100 आना चाहिए. नाउ द थिंग इज, जब आउटपुट होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ इल्यूशन जिसको बोलते हैं, यहां पे कौन सा प्रोटीन पहले आएगा? जिसका मैट्रिक्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, दैट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट. देन जिसका थोड़ा मोड़ा इंटरेक्शन है, देन एकदम लास्ट में आएगा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. इट्स लाइक, क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ एग्जांपल आ रहे हैं, मैं थोड़ा बता देता हूं, आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा रिलैक्स भी होगा. मान लीजिए कि क्लास चल रहा है, फिजिकल क्लास चल रहा है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, सर का क्लास खत्म हो चुका है, ठीक है. जनरली आप देखोगे 100 स्टूडेंट्स है, क्लास खत्म हो चुका है, 100 में से ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स ऐसे निकल जाएगा, मतलब क्लास खत्म निकल जाएगा. बाकी 10 में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ डाउट डिस्कस करेंगे, या तो कुछ और, कुछ फ्यूचर प्लान, ए ओ वगैरह वगैरह कुछ होगा, डिस्कस करेंगे. क्योंकि सर अभी भी है क्लास में है। तो 10 स्टूडेंट जाएगा सर के पास, अब वहां पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरीज है 1 सेकंड का 2 सेकंड का, तो हो गया। बाकी 1-2 स्टूडेंट्स है और भी उनको पूछना है, और भी कुछ पूछना है, और भी कुछ जानना है। तो अब देखो ये जो 100 स्टूडेंट्स था क्लास में, पहले 90 आ गया, क्यों? क्योंकि क्लास खत्म, 90 स्टूडेंट्स जो है सर के साथ और कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्लास खत्म बस बाहर चलो ठीक है, क्लास खत्म बाहर चलो। तो दे विल बी इल्यूटेड फास्ट, क्योंकि सर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब जिस प्रोटीन के साथ मैट्रिक्स का कोई इंटरेक्शन नहीं है दैट विल बी इल्यूटेड फास्ट। अब जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सर के साथ और भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, दे विल बिकम लेट, मतलब दे विल बी इल्यूटेड नेक्स्ट। एंड जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे सो यू और सी विल कम last. Understood the process of elution? So always remember order of elution में जो अनवांटेड वाला प्रोटीन है, जो अनडिजायर्ड वाला प्रोटीन है that will be eluted first, and आपका जो प्रोटीनों पे इंटरेस्ट है that will be always eluted at the last. This is one thing. There is one more thing, बहुत important thing है, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज रिमेंबर इन योर माइंड। आप एक चीज नोटिस किया हो, आपने मैट्रिक्स यूज किया हो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए, क्यों? सो दैट मैट्रिक्स विल हेल्प इन द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। सो द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट हैज टू इंटरैक्ट विद द मैट्रिक्स। अगर आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट खुद ही मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, यू कैनॉट प्यूरिफाई इट। दैट मीन्स अगर आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स को बाईपास किया, मैट्रिक्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं किया, यू कैन नॉट प्यूरिफाई दैट प्रोटीन। प्लीज थिंक, मैं जो बोल रहा हूं ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो प्रोटीन मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा यू कैन नॉट प्यूरिफाई इट, क्योंकि आपको पता है कि मैंने मैट्रिक्स को क्यों लाया, सो दैट मैट्रिक्स विल हेल्प इन द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। तो अगर प्रोटीन मैट्रिक्स से इंटरेक्शन किया ही नहीं, यू कैनॉट प्यूरिफाई इट। तो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट शुड इंटरेक्ट विथ योर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्या बताया आपको कि प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी इल्यूटेड ऑलवेज एट द लास्ट। सेकेंड क्या बोल रहा हूं, जिसको प्यूरिफाई करना है दैट शुड इंटरेक्ट विथ द मैट्रिक्स। अगर प्रोटीन मैट्रिक्स को बाईपास कर रहे हैं You cannot purify it. बहुत बड़ा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अब उसको पता चलेगा क्या है, कितना बड़ा कंसेप्ट है, आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। So I'll start with affinity column chromatography. अब तो शुरू हुआ है and it's already 8:10. How many of you are thinking sir आज तो काफी लेट होगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई एम सॉरी, क्योंकि क्रोमोटोग्राफी टेक्निक एक ऐसा चीज है ना, एक बार अगर समझ गया तो विल नेवर फॉरगेट इट, बट अगर सही से नहीं समझा, क्रोमोटोग्राफी विल ऑलवेज गिव यू पेन, क्रोमोटोग्राफी विल ऑलवेज पुट यू इन अ ट्रबल ऑलवेज, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर यू मे बी लेट, डोंट वरी, आप खाते रहो, नो प्रॉब्लम, आप खाते रहो एंड लिसन टू मी, कीप लिसन टू मी, okay, and enjoy the class. Okay, so affinity chromatography से इतना सारा चीज आप प्रूव कर सकते हो, you cannot imagine. बात क्या है, हम लोग ये सब टेक्निक के बारे में उतना सोचते नहीं है, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज डोंट फाइंड मी रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, try to memorize each and everything, they never try to explore why this is happening, how this is happening. Very few biologists try to explore, majority of the biologists try to memorize, and that's why sometime you will lose your interest. क्या biology में क्या है, simply रट्टा मारना है, right? यही बोलते हो ना आप लोग कि biology में क्या है, simply memorize करो, कल vomit कर दो, कम खत्म। It is not like that. Let me give you some idea, then you will realize कि हाँ बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। डीएनए का स्ट्रक्चर फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप पढ़े हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो डीएनए का स्ट्रक्चर्स। अब आपका ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर खत्म होने जा रहा है, फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक कितना बार डीएनए का स्ट्रक्चर सब पढ़े हो, एंड आपको पता है कि ए बाइंड्स टू टी, जी बाइंड्स टू सी, आपको पता है क्योंकि यू हैव स्टडीड मेनी टाइम्स इन योर एकेडमिक करियर। नाउ दिस इज द टाइम, टुडे इज द 26th Feb, someone named Devasis will ask you to prove it। अभी तक आप बस इतना ही पढ़े हो कि A binds to T, G binds to C। Now I am going to ask you, prove it। You will become molecular biologist after 2 years, right? In the sector of the biotechnology or molecular biology, whatever it is। Prove करो कि A T के साथ bind कर रहे हैं and G C के साथ bind कर रहे हैं। Prove it। करो, try। बोलो, मैं देखता हूं किसके पास क्या कंसेप्ट है। डज एनीवन हैव एनी आइडिया? आज का क्लास खत्म नहीं होगा खुशबू, खुशबू आज का क्लास खत्म नहीं होगा, मैं क्या कर सकता हूं? बोलो बोलो, ए टी के साथ बाइंड करेगा, जी सी के साथ बाइंड करेगा। हाउ विल यू प्रूव इट? आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यू विल रियलाइज हाउ टू प्रूव। ऐसे कलम ले लो, ठीक है? यहां पे आप मैट्रिक्स ले लो, सेलुलोज, सेलुलोज के साथ आपने क्या किया? ऑलिगो डीटी अटैच कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑलिगो डीटी? टी 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 समथिंग लाइक दैट, ठीक है? टी 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 आपने कुछ एक प्राइमर टाइप होता है ना, मान लीजिए कि 6 न्यूक्लियोटाइड या तो 10 न्यूक्लियोटाइड ऑफ टी, 10 न्यूक्लियोटाइड ऑफ टी आपने सिंथेसाइज कर लो, ठीक है? ओनली टी सिंथेसाइज करके ये जो ऑलिगो डीटी हुआ That will be covalently attached to cellulose. So आपका मैट्रिक्स में सेलुलोज इज अटैच्ड विथ ऑलिगो डीटी, ठीक है? आपका मैट्रिक्स में सेलुलोज इज अटैच्ड विथ ऑलिगो डीटी। अब जैसे ऑलिगो डीटी बनाया, ऐसे ही ऑलिगो डीए, ऑलिगो डीसी, ऑलिगो डीजी सिंथेसाइज करो। मतलब इसमें ओनली ए ए ए ए ए, इसमें ओनली सी 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 लाइक दैट, इसमें ओनली जी 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 लाइक दैट, ठीक है? अब इसको पास कराओ। इफ यू पास इट, एटलीस्ट इन तीनों में से कोई तो बाइंड करेगा इसके साथ। जो बाइंड करेगा यहां से इसको रिकवर करके, क्योंकि वो डबल स्टैंड में होगा, उसको डीनेचर करो। डीनेचर करने से आपको 2 सिंगल स्टैंड मिल जाएगा। फाइनली इसको सीक्वेंसिंग में भेजो। यू विल रियलाइज कि एक स्टैंड इनमें से एक तो होगा डीटी, जिसमें ऑलरेडी टी है, बाकी ए बी टी है। जब सीक्वेंसिंग में आएगा डीनेचर करने के बाद, आपको पता चलेगा ए है ए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अरे क्या चार्गव रूल पे पढ़े हो आप लोग, क्या चार्गव रूल पे पढ़े हो? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? आप कहां पे हो? आप साइंस में आओ, डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग। चार्गव रूल से आप क्या बोलोगे? हाँ, अब समझ रहे हो ना मैं क्या क्वेश्चन आपको पूछा था? You have to prove that A binds to T. How will you prove? This is the real example how we can utilize affinity chromatography to prove that. समझ रहे हो? This is called exploring science. Next, let me give you one more example. हम लोग बायोलॉजिस्ट कितना आसानी से मेमोराइज करते हैं ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे को मेमोराइज करते हैं, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, राइट? लाइक दैट कितना रट्टा मारते हो चारों तरफ. वही स्टूडेंट्स ऐसे वॉल में भी लिख देते थे हम लोग का टाइम पे. मैंने देखा उस टाइम में तो इंटरनेट उतना नहीं था, मोबाइल भी नहीं था. कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा कि पेपर में लिख के चिपका देते थे. आपको शायद पता नहीं है, मैंने यह भी देखा, प्लीज डोंट फाइंड मी रॉन्ग, मैं लाइव बोल रहा हूं. कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं ना, ये सब ग्लाइकोलिसिस टीसी साइकिल, कुछ स्टूडेंट्स का बहुत डर है कि वो भूल जाएगा, वो पेपर में लिख के वॉशरूम में भी चिपका देते थे. हाँ, क्योंकि मतलब दिमाग में ऐसे कि हमको मेमोराइज करना है, किसी भी हालत में मेमोराइज करना है. बेडरूम में चिपका देते हैं, वॉशरूम में चिपका देते हैं, हर जगह पे चिपका देते हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में हमको दिखे कि हाँ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट, राइट? इज इट द बायोलॉजी? आपको अभी मेरा सेकेंड क्वेश्चन. अब इतना रट्टा मार लिया कि ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा बाय हेक्सोकाइनेज. बाय molecular biology, using molecular biology you prove it, you prove that glucose will bind to hexokinase. You prove it. How will you prove? How will you prove that glucose is the substrate of hexokinase? How will you prove it? अपने बायोकेमिस्ट्री में ये भी पढ़े होंगे कि ग्लूकोज का कितना सारा आइसोमर है. फ्रुक्टोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. बट आप ये जानते हो कि हेक्सोकाइनेज के साथ ओनली ग्लूकोज का इंटरेक्शन होता है, फ्रुक्टोज का इंटरेक्शन थोड़ी होता है हेक्सोकाइनेज के साथ. सुना कभी? गैलेक्टोज का इंटरेक्शन होता है हेक्सोकाइनेज के साथ, सुना? मैनोज का होता है, सुना? क्यों नहीं होगा? तब तो C6H12O6 है. जितना सारा मैंने नाम लिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, all are having C6H12O6. But how will you prove that glucose will only interact with hexokinase? How? How will you prove it? Using affinity chromatography. Using affinity chromatography. अब यहां पे सेलुलोज लो, ग्लूकोज को अटैच करो, मतलब ग्लूकोज विल बी बाउंड टू सेलुलोज बाय कोवैलेंट बॉन्ड. तो आपका मैट्रिक्स में ग्लूकोज विल रिमेन बाउंड टू सेलुलोज. आप यहाँ पे हेक्सोकाइनेज ले लो, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ले लो, पाइरुवेट काइनेज ले लो, कुछ भी और दूसरा प्रोटीन ले लो, कितना भी प्रोटीन आप ले सकते हो ले लो, लेके यहां से पास कराओ, देन इल्यूट करके देखो कि मैट्रिक्स के साथ कौन बाइंड किया है. समझ रहे हो कैसे प्रूव करना है? मतलब हाउ विल यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव, नॉट टू मेमोराइज, नॉट टू मेमोराइज. समझ रहे हो? सारे लोग समझ रहे हो ना? हाँ. रट्टाफिकेशन इज नॉट अ बायोलॉजी. एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूं. देखो, अगर आपको सच में, मैं बता रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको हायर लेवल पे जाना है, सिंपली मेमोरी से काम नहीं चलेगा. हाँ, कुछ मेमोरी तो आपको चाहिए डेफिनेटली, बट सिंपली मेमोरी से काम नहीं चलेगा. मेमोरी के बाद भी आपको कुछ चाहिए जो कि एक्चुअल फंडामेंटल स्किल, वो आपको चाहिए. Otherwise you cannot explore the highest level. You will always remain in the lower level only. देखो आप कितना सारा चीज कर सकते हो एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी से. देखो आप, देखो देखो द वर्ल्ड ऑफ साइंस. आप यहां, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? टाइप ऑफ लिगेंड. व्हाट डू मीन बाय टाइप ऑफ लिगेंड? ये सब मैट्रिक्स में अटैच रहेगा. दीज आर द थिंग्स यू कैन मेक अटैच टू द मैट्रिक्स. मतलब मैट्रिक्स के साथ आप एंजाइम को भी अटैच कर सकते हो. जब आप मैट्रिक्स के साथ एंजाइम को अटैच कर रहे हो, आप किसको प्यूरिफाई करोगे? दिस इज द टारगेट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपने मैट्रिक्स के साथ एंजाइम को अटैच कर दिया, देन यू कैन प्यूरिफाई सबस्ट्रेट एनालॉग, यू कैन प्यूरिफाई इनहिबिटर, यू कैन प्यूरिफाई कोफैक्टर. अगर मैट्रिक्स के साथ आप एंटीबॉडी को अटैच किया, यू कैन प्यूरिफाई एंटीजन। मैट्रिक्स के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच किया, यू कैन प्यूरिफाई कंप्लीमेंटरी बेस सीक्वेंस। समझ लो, जो कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था, एक के साथ 3 कंप्लीमेंटरी बेस सीक्वेंस। मैट्रिक्स के साथ हार्मोन को अटैच करो, आप रिसेप्टर। सिंपली अगर कोई आपको बोला कि इंसुलिन बाइंड्स टू इंसुलिन रिसेप्टर, हाउ विल यू प्रूव इट? How will you prove that insulin binds to insulin receptor? How will you prove? Look how we can prove. Now समझ में आ रहे हैं ना? अभी आपको अभी इंटरेस्ट आ रहा है साइंस में। This is called actual science. This is called actual science. You will realize कि हाँ, how to design an experiment to prove many things. अब जानते हो कि बहुत सारे एंजाइम का कोफैक्टर्स होता है। Almost many enzymes have their cofactors. All the minerals, particularly magnesium ion, manganese ion, A ion, O ion. अगर कोई आपको बताया कि मान लीजिए कि DNA polymerase magnesium ion है, उसका cofactor, how will you prove it? Affinity column chromatography, that's it. But ये यहां तक आना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका थ्रू मैं प्रूव कर सकता हूं। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग बायोलॉजिस्ट बचपन से सिर्फ मेमोराइज करते गए, ओनली मेमोराइज, बस ये होता है वही होता है। बट एक क्यों होता है ना, कोई पूछा ना कभी सोचा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट जो मैंने एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में जो होता है एग्जैक्टली आपको सेम चीज यहां पे लिखा है। एक बार देख लो। ये है आपका सैंपल। Sample means protein mixture. The sample is flowed through the affinity column in binding buffer. आपको बोला था, देखो binding buffer लिखा है, तो इसका through pass कराओ। Next, target molecules will bind to the affinity ligands. जो target molecule है, that will bind to the affinity ligands. Next, 4 नंबर पे क्या है? Sample is washed through the column to remove the unbound components. मतलब पहले बाइंडिंग बफर डालोगे, देन वॉशिंग बफर। द सैंपल इज वॉश्ड थ्रू द कॉलम टू रिमूव द अनबाउंड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट नंबर 5, इल्यूशन बफर। इल्यूशन बफर इज अप्लाइड टू डिसरप्ट द इंटरेक्शन बिटवीन एफिनिटी लिगेंड एंड द टारगेट मॉलिक्यूल। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अंडरस्टूड नाउ? समझ में आया? ओके। एंड फाइनली जो प्यूरिफाइड टारगेट है, दैट इज इल्यूटेड थ्रू द कॉलम। So, यहां पे ऑर्डर ऑफ इल्यूशन जो मैंने आपको समझाया था, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन मतलब आपने कुछ प्रोटीन और मिक्सचर को डाल दिए थे, अब जब कॉलम से निकल रहे, इन व्हाट ऑर्डर दे विल कम आउट। कंटामिनेंट्स फर्स्ट होगा, कंटामिनेंट्स या तो अनडिजायर्ड, फॉलोड बाय प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज डिजायर्ड। अंडरस्टूड? ओके, एफिनिटी हो गया। अब आओ आयन एक्सचेंज। जब हम लोग आयन के बारे में बात करते हैं, हमेशा देयर विल बी 2 आयन्स इन आवर माइंड, कैटायन एंड एनायन। सिंपल, कैटायन एंड एनायन। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूं। ये है कॉलम, ठीक है? सो यहां पे कुछ मैट्रिक्स ले लो, मान लीजिए सेलुलोज है। अब यहां पे मान लीजिए सेलुलोज के साथ आपने कुछ नेगेटिव चार्ज वाला आयन अटैच किया, मान लीजिए CM। CM इज नॉट चीफ मिनिस्टर, CM इज कार्बोक्सी मिथाइल। अब देखो, तो सेल्यूलोज के साथ आप कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप को अटैच किया, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ योर मैट्रिक्स? देखो, ये जो मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। राइट कि नहीं? मिथाइल, ब्यूटाइल, यूटाइल, व्हाटएवर, इसका कोई चार्ज होगा? नो, कार्बोक्सी का चार्ज होगा। सो अगर सीएम सेल्यूलोज कॉलम आप यूज कर रहे हो, तो आपका मैट्रिक्स विल बी नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। अंडरस्टूड. नाउ कम टू द पॉइंट. अगर आपका मैट्रिक्स नेगेटिवली चार्ज है देन कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन यू कैन प्यूरिफाई? कैन यू प्यूरिफाई अ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और कैन यू प्यूरिफाई अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन? मैंने आपको सेकेंड स्टेटमेंट एक आपको बताया था, जिसको प्यूरिफाई करना है इट हैज टू इंटरैक्ट टू द मैट्रिक्स. प्लीज नेवर फॉरगेट द वन आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली. एंड मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट इट, यू विल नेवर फॉरगेट इट. जिसको प्यूरिफाई करना है दैट शुड इंटरैक्ट टू द मैट्रिक्स. अगर कोई प्रोटीन मैट्रिक्स को बाईपास कर रहे हैं you cannot purify that. It is as simple as it is. So agar aapka matrix negatively charged hai, who can interact? Only positively charged protein can interact. So you can purify only positive charged protein. Understood? Samajh mein aa raha hai? Abhi samajh mein aa raha hai? Only positive charged wala protein you can purify. Now if you are प्यूरिफाइंग पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैटायन एक्सचेंजर. कैटायन एक्सचेंजर. देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैटायन एक्सचेंजर का मतलब क्या है. कैटायन एक्सचेंजर मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड. कैटायन एक्सचेंजर मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड. आई रिपीट अगेन, कैटायन एक्सचेंजर मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड. आई रिपीट अगेन, कैटायन एक्सचेंजर मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड. अगर कैटायन को प्यूरिफाई करना है मैट्रिक्स विल बी एनायनिक. प्लीज स्टेप बाय स्टेप समझो, यू विल नेवर फॉरगेट इट. डोंट ट्राई टू मेमोराइज सो मेनी थिंग्स. मैंने बोल रहा हूं कैटायन एक्सचेंज मतलब कैटायन को हम लोग एक्सचेंज करेंगे, मतलब कैटायन को प्यूरिफाई करेंगे. सर ने बोला था जिसको प्यूरिफाई करना है उसको मैट्रिक्स के साथ इंटरैक्शन भी करना है. तो अगर हमको कैटायनिक वाला प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है देन मैट्रिक्स शुड बी एनायनिक. इट्स अ कॉमन सेंस. अगर कैटायन एक्सचेंजर हो रहा है इसका मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड. So your matrix will be anionic in nature. Understood? So now come to the question. Let's say question में ऐसा हुआ कि you are using cation exchange column chromatography. Immediately some image should be formed in your mind. कि सर ने क्या बताया था? cation exchange मतलब cation will be purified, matrix will be anionic. पहले ये draw कर लो copy में. पहले ये draw कर लो copy में कि cation exchange मतलब matrix का nature होगा negative. The moment you can do this, you can solve any questions, any question. क्योंकि यही concept सबका क्लियर नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. तो मैं फिर बोल रहा हूं कैटायन एक्सचेंज मतलब कैटायन विल बी प्यूरिफाइड. अगर कैटायन को प्यूरिफाई करना है तो मैट्रिक्स विल बी एनायनिक. दैट्स इट, सो सिंपल. नाउ लाइन पे आओ. सो मान लीजिए मैं इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपका मैट्रिक्स है नेगेटिवली चार्ज्ड एंड यहां पे आप 3 डिफरेंट प्रोटीन पास करा रहे हो. किसी का चार्ज है पॉजिटिव, किसी का चार्ज है नेगेटिव, किसी का चार्ज है न्यूट्रल. ठीक है, ऐसे 3 डिफरेंट चार्ज आप पास करा रहे हो इस मैट्रिक्स के थ्रू. इसका ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा? कौन सा प्रोटीन पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा सबसे लास्ट आएगा? आपको मैंने क्या बताया था? कौन सा कलर लो? ग्रीन कलर ही ले लेते हैं. कौन सा? ग्रीन कलर ले लिया. आपका मैट्रिक्स है नेगेटिवली चार्ज्ड. पॉजिटिव तो इसके साथ है कि बाइंड कर जाएगा, बाकी रहेगा नेगेटिव एंड न्यूट्रल. नेगेटिव विल नाइदर इंटरैक्ट विथ न्यूट्रल. नेगेटिव विल नॉट इंटरैक्ट विथ नेगेटिव ऑल्सो. बट कौन पहले निकल के आएगा? नेगेटिव रिपल्सन होगा, मतलब बाइंडिंग का तो कोई चांस ही नहीं है. तो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन में पहले आएगा नेगेटिव, देन आएगा न्यूट्रल, देन बाद में आएगा पॉजिटिव. यस करेक्ट शिवम, अंडरस्टूड। समझ में आ रहे अभी, समझ में आ रहे। देखो मैट्रिक्स है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, फाइन। बट व्हाट विल हैपन टू नेगेटिव एंड न्यूट्रल? अरे नेगेटिव नेगेटिव का दुश्मन है, आपको नहीं पता है क्या? मतलब वहां पे खड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, इट विल बी ऑलवेज आउट इमीडिएटली। सो फर्स्ट विल बी नेगेटिव, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। डन, समझ रहे हो? अच्छा, और कुछ क्वेश्चन लिखा सर, अगर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हुआ तब क्या होगा? ऑफ कोर्स साकिब, गुड क्वेश्चन। अगर दोनों का पॉजिटिवली चार्ज हुआ देन चार्ज में तो डिफरेंस आएगा, चार्ज में डिफरेंस आएगा। वो ऐसे बोल रहे, क्या नाम है आपका नाम? साखी अग्रवाल। देखो साखी बोल रहे हैं ऐसे कुछ कि आपका मैट्रिक्स है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? आप यहां पे दो प्रोटीन पास करा रहे हो, इसका है पॉजिटिव, इसका है मोर पॉजिटिव, देन क्या होगा? ये भी इसके साथ बाइंड होगा, ये भी इसके साथ बाइंड होगा। नेक्स्ट जब इल्यूशन होगा, इल्यूशन में पहले कौन आएगा? बाद में होगा दिस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन। अंडरस्टूड? हमेशा एक चीज याद रखो, कौन पहले आएगा? जिसका इंटरेक्शन थोड़ा वीक है या तो बिल्कुल ही नहीं है। फर्स्ट जिसका बिल्कुल नहीं है, जैसे यहां पे बिल्कुल नहीं है, जीरो, नो इंटरेक्शन। देन आएगा पॉजिटिव, जो कि इंटरेक्शन था उसको आपको निकालना पड़ेगा। यहां पे क्या है, दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट एक में वीक इंटरेक्शन, एक में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो जिसका वीक है वो पहले आएगा। अंडरस्टूड? समझ गया ना? क्रिस्टल क्लियर त्रिशिता, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। ओके सो जैसे कैटायन एक्सचेंज, समझ गया? एनायन एक्सचेंज जस्ट इसका उल्टा होगा और कुछ नहीं, सिंपल, जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है? अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहां पे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि CM कार्बोक्सीमिथाइल, CM देखो कार्बोक्सीमिथाइल, ऐसे और भी एक फेमस एग्जांपल है जिसका नाम है DAE, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। देखो मिथाइल, इथाइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, व्हाटएवर, दीज आर नॉट चार्ज्ड। कार्बोक्सीमिथाइल, कार्बोक्सी इज चार्ज्ड नेगेटिव। सिमिलरली डाई इथाइल अमाइनो इथाइल, अमाइनो इज चार्ज्ड व्हिच इज पॉजिटिव। सो क्वेश्चन में आएगा DAE सेलुलोज, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड, CM सेलुलोज, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ रहे हो? यही दो मेनली आता है, यही दो मेनली आता है। अगर कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल दे दिया, कि आप क्वेश्चन में दे दिया डायरेक्ट कि आपका मैट्रिक्स नेगेटिवली चार्ज्ड, तब तो आप नेगेटिव लो, पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव लो, ठीक है? अगर नाम दे रहे तो यहाँ पे बेसिकली DAE देते हैं या तो CM देते हैं। ओके सो ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स को कैसे चार्ज करोगे। अब देखो जो मैंने आपको समझा था, देखो एनायन एक्सचेंज कॉलम, मैंने आपको जैसे समझाया था, जैसे आपको मैंने बोल रहा था, एग्जैक्टली इसी वे में मैंने इसको लिख के भी लाया। एनायन एक्सचेंज मतलब क्या है? एनायन विल बी प्यूरिफाइड। अगर एनायन को प्यूरिफाई करना है तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स? कैटायनिक। मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं एंड आप भी प्लीज स्टेप बाय स्टेप ही इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट। सो एनायन एक्सचेंज मतलब एनायन को एक्सचेंज होना है, क्योंकि एनायन को प्यूरिफाई होना है, तो मैट्रिक्स शुड बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल तीनों यहां से पास करा रहे हो, तो ये अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन विल रिमेन बाउंड टू द मैट्रिक्स। पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज प्रोटीन विल नॉट बाइंड टू द मैट्रिक्स। नाउ लुक, आपको मैंने क्या बताया था? एनायन एक्सचेंजर मतलब एनायन विल बी प्यूरिफाइड, एंड द वन व्हिच विल बी प्यूरिफाइड, मैंने आपको पहले बताया था, जिसको प्यूरिफाई करना है that will be purified always at the last. It's like होता है ना कि आप कुछ हार्ड वर्क करो देन आपको सक्सेस मिलेगा, राइट आपने कुछ काम करो देन आपको अवार्ड मिलेगा, राइट कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, आप एक प्रोटीन मिक्सर से किसी प्रोटीन को प्यूरिफाई करना चाहते हो, पहले सक्सेसफुली सबको हटाओ, मतलब सबको इन द सेंस अनडिजायर्ड प्रोटीन को पहले हटाओ सक्सेसफुली, मेहनत करो पहले, सो दैट फाइनली विल रीच टू योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ गया? सो एनायन एक्सचेंजर का मतलब एनायन विल बी प्यूरिफाइड, therefore एनायन विल बी इल्यूटेड एट लास्ट। समझ गया? सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल आप पास करा रहे हो। ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पहले पॉजिटिव आएगा, देन न्यूट्रल, देन नेगेटिव। अंडरस्टूड? डन? समझ गया? ओके, सो ये जैसे हुआ, दूसरा ऐसे, बस उसका उल्टा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, फिर एक बार देख लो ये आप। क्यों? क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए टू आंसर द क्वेश्चन। कैसे? ये चीज आपको मैंने समझाया ना कि 0 to 14 वाला पीएच चार्ज है, पीएच है 0 to 14। एक मान लीजिए कि आइसोलेटिव पॉइंट है 5.8, तो इधर होगा पॉजिटिव, उधर होगा नेगेटिव। इधर मतलब पीएच लेस देन पीआई, इधर मतलब पीएच ग्रेटर देन पीआई। राइट? ये मैंने आपको बताया था। अब देखो एक क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोटीन्स जिसका पीआई है, जिसका पीआई दिया हुआ है 11, 7, 5 and 3। 4 प्रोटीन जिसका पीआई दिया हुआ है 11, 7, 5 and 3। दीज आर लोडेड ऑन अ डीएई कॉलम क्रोमैटोग्राफी, डीएई कॉलम में लोड किया गया विथ लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर ऑफ pH 8। Which of the 4 proteins would be expected to be retained on the column? अच्छा, what do you mean by retained? यहां पे retained का मतलब क्या है? जो प्रोटीन कॉलम के साथ इंटरेक्शन करेगा, जो प्रोटीन कॉलम के साथ इंटरेक्शन करेगा that will be retained। जो प्रोटीन कॉलम के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा that will not be retained। And अगर मैंने रिटेंशन टाइम पूछूं कि कौन सा प्रोटीन का रिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा है, the one which will be eluted at the last, the one which will be eluted at the last from the column, उसका रिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा होगा। किसका रिटेंशन टाइम सबसे कम है? जो कलम से पहले आ जाएगा, मतलब कलम में था ही नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी आ गया। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल वे में मैं बोल रहा हूं। रिटेंशन मतलब कितना टाइम एक प्रोटीन कलम में रहता है। अगर पहले आ गया तो रिटेंशन टाइम सबसे कम 0, अगर सबसे लास्ट में आ रहा है तो रिटेंशन टाइम ज्यादा। राइट? ओके, तो पहले आपको क्या देखना है? आप डीएई कॉलम ले आओ। डीएई कॉलम मतलब डाई इथाइल एमाइनो इथाइल। सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द कॉलम? पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो कॉलम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। डन? नाउ कम टू द प्रोटीन। प्रोटीन का पीआई कितना है? 11, 7, 5 and 3। कौन सा पीएच पे डील कर रहे हो? 8। तो आप ऐसे कॉलम बनाओ, पीआई वर्सेस पीएच, पीआई वर्सेस पीएच। दिस इज पीआई, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। ओके, आप देखो, तो पीआई 11 है, पीएच कम है, पीएच छोटा है, कम है पीआई से, तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट, पीएच पीआई से ज्यादा है क्योंकि पीआई 7 है, देखो, तो चार्ज विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट, पीआई 5, पीएच 8, चार्ज विल बी मोर नेगेटिव। अच्छा, पहले देखो, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, यहाँ पे 3 वर्सेस 8, ए भी नेगेटिव, राइट? मतलब ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव। ए था पॉजिटिव, मान लो, ठीक है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव। अब ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, इन तीनों में से कैसे ग्रेडियंट बनाओगे आप? दिस इज नेगेटिव, दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज इवन मोर नेगेटिव। क्यों? मैंने आपको बताया था, पीएच पीआई का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पीएच पीआई का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, तो अगर इधर होगा तो दैट विल बी मोर पॉजिटिव, या अगर इधर आ रहा है तो दैट विल बी मोर नेगेटिव। समझ गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, पीएच पीआई वाला डिफरेंस जिसमें सबसे ज्यादा है, वो डिफरेंस इधर भी हो सकता है, डिफरेंस इधर भी हो सकता है। तो अगर यहां पे हो रहा है तो दैट विल बी एक्सट्रीम पॉजिटिव, अगर इधर होगा तो दैट विल बी एक्सट्रीम नेगेटिव। देखो, तीनों केस में पीआई पीएच से कम है, तो ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, बट तीनों में से आप ग्रेडियंट कर सकते हो। तो ये वाला जो 4 प्रोटीन है इसको आपने अभी लोड कर दिया, यहां पे लोड कर दिया। अब देखो क्या होगा। तो आपका मैट्रिक्स है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आप 4 प्रोटीन यहां पे डाल रहे हो, जिसमें से एक प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, बाकी 3 प्रोटीन के नेगेटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन में पूछा कि व्हिच ऑफ द 4 प्रोटीन शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी रिटेन्ड। अब ऑप्शन का ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि अगर चारों प्रोटीन यहां से आप पास कराओगे तो ओनली 1 प्रोटीन जो जिसका पीआई 11 है दैट विल बी इल्यूटेड, क्योंकि उसका चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, इट विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। बाकी तीनों का जो है तीनों नेगेटिव है, सो ऑल थ्री विल बी बाउंड, ऑल थ्री विल बी बाउंड। आप देखते हैं ऑल थ्री विल बी बाउंड मतलब ऑल थ्री विल बी रिटेन्ड। अब चलो ऑप्शन में देखते हैं कि कैसे उसको ऑप्शन में दिया, क्योंकि देखो ऑप्शन में कैसे रिप्रेजेंट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर सेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन को किस ओए में आप रिप्रेजेंट करोगे दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर सेटर। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रोटीन विथ पीआई 11 बट नॉट द अदर्स। क्वेश्चन में क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन विल बी एक्सपेक्टेड टू बी रिटेन्ड। कलम में बाउंड रहेगा, पीआई 11 तो बाउंड रहेगा ही नहीं, वो तो पहले ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स भी पॉजिटिव है, उसका भी नेचर पॉजिटिव है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटेंशन ऑफ पीआई 11। जिस प्रोटीन का पीआई 11 है उसका तो रिटेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, दैट विल बी इमीडिएटली आउट। नेक्स्ट, प्रोटीन्स विद पीआई 11 एंड 7 बट नॉट 5 एंड 3। ये भी गलत है, राइट। प्रोटीन्स विद पीआई 7, 5 एंड 3 तीनों प्रोटीन रिटेंड होगा, क्योंकि तीनों प्रोटीन बाउंड होगा। हो सकता है प्रोटीन विथ पीआई 7 बट नॉट विद अदर्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो दिस शुड बी द राइट आंसर। समझ गया, सारे लोग सी कर दिया, बट हो गया और क्या। समझ गया ना, गुड। अब चलो साइज एक्सक्लूशन। भाई देखो बोर तो नहीं फील करो ना, बी ऑनेस्ट, बताओ नो प्रॉब्लम। हाँ, बोर तो नहीं फील कर रहे हो, ओके। एनीवे, साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी। साइज एक्सक्लूशन में कंसेप्ट लगभग सेम ही है, कंसेप्ट लगभग सेम ही है, बट यहां पे हम लोग कोई केमिकल ग्रुप ऐड नहीं करेंगे, बट यहां पे जो मैट्रिक्स यूज करेंगे, मैट्रिक्स का थ्रू प्रोटीन पास करेगा एंड मैट्रिक्स विल बिकम पोरस इन नेचर। मैट्रिक्स में थोड़ा पोर रहेगा, पोरस, ओके। देखो कैसे, तो ऐसे कुछ है, देखो दीज आर पोरस। तो इस पोर का थ्रू प्रोटीन पास करेगा, इस पोर का थ्रू प्रोटीन पास करेगा, अंडरस्टूड। एंड ये जो पोर डायमीटर है, पोर डायमीटर इज फिक्स्ड, पोर डायमीटर इज फिक्स्ड। जैसे मान लीजिए कि आपने एक यू नो मैट्रिक्स लिया, बेसिकली ये जो पोर है, ये जो बिट्स है, इसको बोलते हैं सेफाडेक्स, सेफाडेक्स। इसका ट्रेड नेम है सेफाडेक्स, सेफाडेक्स, सेफाडेक्स। जैसे ग्लूकोज का ट्रेड नेम है डेक्स्ट्रोज, जानते हो ना, डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज इज ग्लूकोज ओनली, उसका ट्रेड नेम है। सिमिलरली सेफाडेक्स इज द ट्रेड नेम ऑफ सेफाडेक्स एंड बेस्ड ऑन दिस, ये जो पोर साइज है ना, ये जो पोर साइज है, डिफरेंट डिफरेंट सेफाडेक्स कलम आपको मिलेगा, व्हिच आर कमर्शियली अवेलेबल, व्हिच आर कमर्शियली अवेलेबल। तो मान लीजिए सेफाडेक्स G50, सेफाडेक्स G50 आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो। अच्छा, और यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, ओके। एनीवे देखो, मान लीजिए कि सेफाडेक्स G50, सेफाडेक्स G50, सेफाडेक्स G50 मतलब ये जो 50 है, अप टू 50 किलो डाल्टन प्रोटीन कैन पास थ्रू इट। मतलब इसका पोर साइज है 50 kD। तो अगर आप यहां पे दो टाइप ऑफ प्रोटीन को पास करा रहे हो, एक का है 42 किलो डाल्टन, दूसरा का है 75 किलो डाल्टन। तो आप जो बीड यूज किया हो, मान लीजिए सेफाडेक्स G50 फॉर एन एग्जाम्पल, सेफाडेक्स G50। तो अगर सेफाडेक्स G50 कलम यूज कर रहे हो, दैट कैन एक्यूमुलेट मैक्सिमम अप टू 50 किलो डाल्टन वाला प्रोटीन। तो एक प्रोटीन आप यूज किए हो 42 किलो डाल्टन, दूसरा प्रोटीन यूज किए हो 75 किलो डाल्टन, दोनों प्रोटीन कॉलम को थ्रू पास करेगा। 42 क्या होगा, अगर डायमीटर 52, अगर डायमीटर इसका 50 है तो 42 कैन पास थ्रू 50, राइट। इसका डायमीटर अगर 50 हुआ तो 42 विल पास थ्रू इट। बट व्हाट विल हैपन टू 75? 75 cannot pass through 50. Then how will 75 come out? How will it come out? How will it come out? 75 will come like this, like this, like this. मतलब it will bypass the bead. Now the question is, ये 42 and 75 जब आप पास कराओगे, who will come out first? जो कलम को बाईपास करेगा या तो जो कलम का थ्रू आएगा? Who will come out first? जो कलम को बाईपास करेगा that will come out first. क्यों? जो कलम का थ्रू आएगा वो हर एक बीट का थ्रू आएगा, इधर 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 करके आएगा। तो इसका रिटेंशन टाइम भी ज्यादा होगा and it will take more time to pass through the bid. क्यों? क्योंकि easily हर एक bid का through चला जाएगा वो। जब bid का through जा रहे, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा ऐसे करके, it will take more time to come out of the column. But जो 75 है basically जो जिसका size bid का size से ज्यादा है, 75 मतलब जिसका size bid का size से ज्यादा है, it will simply bypass the bid. अंडरस्टूड? तो प्लीज रिमेंबर, साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी में जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होता है, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन जो होता है, यहां पे लार्जर विल कम आउट फर्स्ट देन स्मॉलर। अंडरस्टूड? अच्छा, क्या किसका क्वेश्चन है ये? चरिता सर, अगर इसमें दो प्रोटीन का साइज सिमिलर हो गया तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, हर एक प्रोटीन का जो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। साइज का ऊपर होगा तो साइज एक्सक्लूशन, चार्ज का ऊपर होगा तो आयन एक्सचेंज, एफिनिटी का ऊपर होगा तो एफिनिटी, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिसिटी का ऊपर होगा तो रिवर्स पेज। तो आप बोल रहे हो कि सर अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो साइज एक्सक्लूशन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? अगर दोनों प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, यू कैनॉट सेपरेट देम यूजिंग साइज एक्सक्लूशन, क्योंकि दे विल ऑलवेज बी इल्यूटेड एट द सेम टाइम। अंडरस्टूड? अगर दोनों का साइज सेम हुआ तो ओके। सो फॉर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, आइदर एफिनिटी और आयन एक्सचेंज और रिवर्स पेज। आई विल कम टू दैट पार्ट। ओके, सो यह आपके समझ में आया कि जो जिसका मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा है दैट विल बाईपास द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स को बाईपास करेगा दैट विल इल्यूटेड ऑलवेज फर्स्ट, जो मैट्रिक्स को बाईपास नहीं कर सकता है दैट विल रिमेन स्टक इन द मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई इट विल टेक मोर टाइम टू कम आउट ऑफ द मैट्रिक्स, इजंट इट? अब तो एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि हाँ, जो मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, वो पहले आ जाएगा। जिसका मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है दैट विल ऑलवेज टेक मोर टाइम टू कम आउट, isn't it? चलो, आप यहां पे कुछ बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ बेसिक डेफिनेशन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है आपका कॉलम, ठीक है। ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। आप मान लो या इसको एक क्रॉस सेक्शन बनाओ, एक क्रॉस सेक्शन कर दिया, ठीक है। दिस इज लाइक ए क्रॉस सेक्शन। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? ये क्या है? This is a cross section of this, like cross section. Okay. Anyway, so यहाँ पे देखो ये सब जो है these are all beds. This is a bed. This is a bed. This is a bed. This is a bed. This is a bed like that. And यहाँ पे आप तीन type of protein देखोगे. Three type of proteins. एक blue color, एक green color, एक red color. And तीनों का size देखो. Be careful. तीनों का size देखो. ब्लू कलर का साइज सबसे ज्यादा है, ग्रीन कलर का थोड़ा मीडियम है, रेड कलर का सबसे छोटा है. अब देखो रेड कलर कैसे कैसे निकल रहे हैं, ग्रीन कलर कैसे कैसे निकल रहे हैं, एंड ब्लू कलर कैसे कैसे निकल रहे हैं. ब्लू कलर तो बिल्कुल बीट का थ्रू पास ही नहीं कर रहे. ये जो बाकी येलो कलर है ना, मतलब बीट के अलावा जो बाकी जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड वॉयड वॉल्यूम. वॉयड मतलब नल, नथिंग. Void मतलब null, nothing. So ये जो है this is void, this is void, this is void. That means anything other than bits. Simple. Anything other than bits. That means the space between the bits, the space, the left out space between the bits are actually void volume. That's it. Understood? So आप जो larger वाला protein है उसको आप कहाँ expect करोगे? They will be in void volume. And जो छोटा वाला जो है, छोटा in the sense that the one which can be accommodated in the you know in the bids, जिसका bids का size का छोटा है, bids का size से कम है, उसको आप कहाँ expect करोगे? Bids का through expect करोगे, right? आप देखो कुछ definition है. Exclusion volume और void volume. Void volume between the gel beds, the volume between the gel beds or the extra volume other than beds, that is your void volume. ठीक है. Next, internal pore volume. Internal pore volume मतलब जितना सारा beads है, beads का जो total volume है, beads का जो total volume है, that is internal pore volume. Volume inside the beads, वॉल्यूम इनसाइड द बिट्स, सारे वॉल्यूम का, सारे बिट्स का जो टोटल वॉल्यूम है, दैट इज इंटरनल पोर वॉल्यूम. नेक्स्ट, इल्यूशन वॉल्यूम. जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपको चाहिए टू इल्यूट द प्रोटीन आउट ऑफ द कॉलम. इस कॉलम का थ्रू प्रोटीन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ इल्यूशन वॉल्यूम चाहिए, इल्यूशन बफर चाहिए. इल्यूशन बफर का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड इल्यूशन वॉल्यूम. इल्यूशन वॉल्यूम मतलब द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू इल्यूट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. अब इल्यूशन वॉल्यूम का कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है. देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं. मान लीजिए आपने 100 ml वाला इल्यूशन बफर यूज किया हो. हंड्रेड एम एल इल्यूशन बफर यूज किया टू इल्यूट लेट्स से 50 किलो डाल्टन प्रोटीन. ठीक है. एंड आपका कोई दोस्त 175 ml इल्यूशन बफर यूज किया. सो सी विल बी एबल टू इल्यूट लेस देन 50 किलो डाल्टन, ग्रेटर देन 50 किलो डाल्टन और 50 किलो डाल्टन प्रोटीन. व्हिच विल बी द राइट आंसर? टेल मी. मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता रहा हूं. आपने 100 ml इल्यूशन बफर यूज किया टू इल्यूट 50 किलो डाल्टन प्रोटीन. आपका दोस्त 175 ml इल्यूशन बफर यूज किया, तो उन्होंने मोर देन 50 किलो डाल्टन प्रोटीन इल्यूट करेंगे, या तो लेस देन 50 किलो डाल्टन यूज करेंगे, या तो 50 किलो डाल्टन यूज करेंगे. 50 किलो डाल्टन प्रोटीन ही इल्यूट कर पाएंगे. बोलो. बोलो. अच्छा ठीक है, इसका आंसर मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट का क्लास होगा और डोंट वरी, बट 10 मिनट से पहले और थोड़ा एक जोक्स हो जाए, एक कहानी हो जाए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। देखो खाना खाने के बाद, चाहे वो लंच के बाद हो चाहे डिनर के बाद हो, हम लोग मुंह तो धोते हैं, पानी देके धोते हैं, राइट। इमेजिन अ सिचुएशन एंड इनफैक्ट यू विल रियलाइज इट, जब आप ज्यादा पानी से मुंह को फ्लश करोगे, योर माउथ विल बी प्रॉपरली क्लीन्ड। व्हाट डू मीन बाय प्रॉपरली क्लीन? अगर आप ज्यादा पानी देके मुंह को वॉश कर रहे हो, देन टीथ में अगर छोटा से छोटा कुछ फूड पार्टिकल कहीं से भी अटक गया हो, जितना भी छोटा से छोटा पार्टिकल हो, दैट विल बी वॉश्ड आउट। अगर किसी दिन जल्दबाजी में, टाइम कम है, आपने थोड़ा एक दो बार रेंज करके चला गया, कम पानी लेके माउथ को वॉश किया, ओनली जो बड़ा वाला फूड पार्टिकल है दैट विल बी वॉश्ड, और छोटा पार्टिकल फिर भी रह गए होंगे। ये कभी रियलाइज किया? मैं तो रियलाइज करता हूं ऑनेस्टली, इसलिए ऑनेस्टली बता रहा हूं, एंड दैट इज ट्रू। आप इस एग्जाम्पल के साथ इसका क्या लिंक है? अगर आप एग्जाम्पल समझ गया तो आपको आंसर भी आ जाएगा। मैं फिर से एग्जाम्पल की तरह जा रहा हूं, आप जितना पानी देके माउथ को क्लीन कर रहे हो, दैट इज इल्यूशन वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप कम पानी देके माउथ को वॉश कर रहे हो, तो जो बड़ा पार्टिकल है कहीं पे अटक गया टीथ में, ओनली बिग पार्टिकल कैन बी रिमूव्ड, बट छोटा को अगर आपको निकालना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी देना है। डू यू एग्री विद मी? या आप सोचोगे सर नहीं मेरा तो कम पानी में पूरा क्लीन हो जाता है, आप क्या बकवास कर रहे हो? राइट, मे बी आप सोच रहे हो कि सर आप क्या बोल रहे हो, हमको तो ज्यादा पानी लगता ही नहीं है, कम में मैं पूरा क्लीन कर देता हूं। समझ रहे हो ना? तो जब आप कम पानी यूज करोगे, इल्यूशन बफर जब कम होगा, तब ओनली हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो प्रोटीन है वही निकल के आएगा। अगर आप ज्यादा पानी दे रहे हो, माउथ विल बी प्रॉपरली क्लीन, इसका मतलब कोई जगह पे अगर छोटा से छोटा भी फूड पार्टिकल हो, दैट विल बी वॉश्ड आउट। सो नाउ कम टू द पॉइंट, 100 ml एंड 175 ml। अगर 100 में आप 50 किलो डाल्टन प्रोटीन प्यूरिफाई किया हो, एंड जब आप इल्यूशन वॉल्यूम को इंक्रीज किया हो, यू शुड बी एबल टू प्यूरिफाई लेस देन 50 किलो डाल्टन वाला प्रोटीन। अंडरस्टूड नाउ? समझ में आया? देखो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने बीच बीच में देता हूं ना, मतलब दैट विल बी समटाइम्स फनी टू यू, बट दिस इज द वे हाउ आई स्पीक, दिस इज द वे हाउ आई टॉक। ओके, तो नाउ आई एम श्योर आपको ये चीज पता चल गया कि जिस दिन आप ज्यादा पानी से मुंह धोगे, दैट मींस छोटा से छोटा पार्टिकल को भी आप निकाल सकते हो। अगर कम पानी दे रहे हो तो ओनली लार्जर प्रोटीन विल बी रिमूव्ड, राइट? ओके, देखो आप एक बार देख लो जो मैंने आपको बताया कि यहां पे मान लीजिए कि रेड कलर एंड ग्रीन ब्लू कलर, दो प्रोटीन यहां से आप निकाल रहे हो, आप पास कर रहे हो, ठीक है। आप देखोगे कि ओनली ब्लू कलर जो है दैट कैन फिट टू द पोर्स ऑफ द बीड्स, सो दैट विल पास थ्रू द बीड्स। देखो ब्लू कलर इसका थ्रू पास कर रहे हैं, बट जो रेड कलर है दैट विल बाईपास द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन में पहले रेड कलर आएगा, देन ब्लू कलर आएगा। समझ रहे हो? अंडरस्टूड? ओके, so order of elution, larger size protein first, then moderate size protein, then smaller size protein. Okay, the last one, reverse page. अब only 5 minutes, it's done, almost everything is done, only 5 minutes. reverse page में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। reverse page में जो कलम हम लोग यूज करते हैं, यहां पे जो मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है, इट विल बी ऑलवेज हाइड्रोफोबिक, इट विल बी ऑलवेज हाइड्रोफोबिक। देयर इज नो क्वेश्चन कि सर अगर हाइड्रोफिलिक वाला कलम यूज किया तो रिवर्स में हम लोग ऑलवेज हाइड्रोफोबिक यूज करते हैं, तो इट विल बी ऑलवेज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, नाउ तो यहां पे आप दो टाइप ऑफ प्रोटीन यूज कर रहे हो, मान लीजिए कि एक हाइड्रोफिलिक है एक हाइड्रोफोबिक है। तो अगर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक आप इसको पास कराओगे देन हु विल इंटरेक्ट विद द हाइड्रोफोबिक कॉलम। यहां पे वो कैटायन एनायन वाला कंसेप्ट को मत लाओ कि कैटायन विल इंटरेक्ट विद एनायन, एनायन विल इंटरेक्ट विद कैटायन। डोंट ब्रिंग दैट कंसेप्ट हियर, so that you will think that means hydrophilic will interact with hydrophobic, हाँ? And बाहर जाके ऐसे मत किसी को मत बोलो कि देवाशीष सर ने हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया, देन तो मेरा गया। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक विल नेवर इंटरेक्ट विथ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक विल इंटरेक्ट विथ हाइड्रोफोबिक। ओके, सो इसका इंटरेक्शन एक डिफरेंट नेचर का है एंड कैटायन एनायन का नेचर दूसरा है। सो डोंट ब्रिंग दैट कंसेप्ट हियर। So always remember, phobic will interact with phobic, philic will never interact with phobic. ठीक है, ओके। सो अब देखो, तो philic phobic के साथ इंटरेक्शन करेगा नहीं, तो कौन पहले आएगा? philic पहले आएगा। तो first hydrophilic will be eluted, then hydrophobic will be related. Understood? अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसे कुछ है, मान लीजिए दोनों ही हाइड्रोफोबिक है, दोनों ही हाइड्रोफोबिक है, ए भी फोबिक है ए भी फोबिक है। ठीक है, आप थोड़ा स्किल यूज करो, ए प्रोटीन बी। ठीक है, यहां से पहले बी आया देन ए आया। ओके, आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ। मान लीजिए कि दोनों ही हाइड्रोफोबिक है, एक प्रोटीन ए एक प्रोटीन बी। आप यहां से जब इल्यूट किए पहले बी निकला देन ए। आप बोलो बी एंड ए में से कौन सा ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा कम हाइड्रोफोबिक है, व्हिच वन इज मोर हाइड्रोफोबिक, व्हिच वन इज लेस हाइड्रोफोबिक। कैन यू टेल मी व्हिच वन इज मोर हाइड्रोफोबिक, व्हिच वन इज लेस हाइड्रोफोबिक? कैन यू टेल मी? राइट, मैंने आपको क्या बताया? सिंपल एक चीज दिमाग में रखो, जो पहले आता है निकल के, मतलब जो इल्यूशन में जिसका पहले निकल के आता है उसका इंटरेक्शन सबसे कम होता है, वीक इंटरेक्शन या तो बिल्कुल इंटरेक्शन है ही नहीं। जो बाद में आता है ऑलवेज रिमेंबर दैट विल हैव स्ट्रांग इंटरेक्शन। तो जो बाद में आ रहे दैट विल बी मोर हाइड्रोफोबिक, तो दिस विल बी मोर, दिस विल बी लेस। So B is less, A is more. Correct, everyone. Thank you so much. That means you have understood it. Very good, very good, very good. So ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक बार देख लो। ठीक है, यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है। यहाँ पे कितना कलर है? ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर। ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर है। आप इसको पास कराओगे इस कलम का थ्रू, दिस इज द कलम यार, इस कलम को तो इधर पास कराओगे। ठीक है, आप पास करा रहे हो। देखो पहले कौन आया, पहले कौन आया? ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो है दैट इज लीस्ट हाइड्रोफोबिक एंड इल्यूट्स फास्ट। सबसे लास्ट में कौन आया? ब्लू, मोस्ट हाइड्रोफोबिक एंड इल्यूट लास्ट। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? जो पहले आएगा लीस्ट हाइड्रोफोबिक, जो लास्ट में आएगा मोस्ट हाइड्रोफोबिक। राइट, ओके। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो जाए बिफोर यू स्टॉप। ओके, बस 2 मिनट दे दो, ओनली 2 मिनट। गिव मी ओनली 2 मिनट। हाँ, आई एम श्योर आपका डिनर रेडी हो गए होंगे एंड यू आर सेइंग सर तो आज पागल हो गए, सर तो छोड़ भी नहीं रहे। हाँ, ओके अच्छा, यहां पे ये प्रोटीन कंसेंट्रेशन है। ओके, वाई एक्सिस में कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, वाई एक्सिस में कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं साइज एक्सक्लूसन। यहां पे आप CM सेलुलोज कॉलम से आप यूज किया हो, ठीक है। एंड यहां पे है रिवर्स फेज से चल रहे हैं। ओके, अब यहां पे मैं नाम दे रहा हूं A B, ठीक है। आपको करना क्या है, आप देखो एक बार पहले क्वेश्चन देखो। साइज एक्सक्लूशन का है, साइज एक्सक्लूशन का प्रोटीन प्रोफाइलिंग है, इल्यूशन प्रोफाइलिंग है। सीएम सेलुलोज कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इल्यूशन प्रोफाइल है, रिवर्स फेज का इल्यूशन प्रोफाइल है। एक्स एक्सिस में आप किसके साथ डील कर रहे हो, टाइम के साथ डील कर रहे हो। Y एक्सिस में किसके साथ डील कर रहे हो, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। हम लोग को क्या बोलना है, प्रोटीन का नेचर के बारे में बोलना है। हम लोग को क्या करना है, प्रोटीन का नेचर के बारे में बोलना है। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम कुल 2 मिनट्स, बस 2 मिनट दो। प्रोटीन का अमाउंट एंड प्रोटीन का नेचर, टू थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट, दोनों के साथ कोई लिंक नहीं है। यू गॉट इट? आई विल रिपीट अगेन, प्रोटीन का अमाउंट एंड प्रोटीन का नेचर, मतलब वो हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा, कैटायनिक होगा, एनायनिक होगा, व्हाटएवर, उसका नेचर के साथ अमाउंट का कोई लिंक नहीं है। वाई एक्सिस में आप अमाउंट के साथ डील कर रहे हो, अमाउंट से आपको प्रोटीन का नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा। यू विल नेवर गेट एनी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ प्रोटीन अमाउंट, राइट। अगर प्रोटीन का नेचर के बारे में आपको जानना है, आपको कौन सा एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस, जो कि टाइम के साथ डील कर रहे हैं। इस टाइम से आपको क्या पता चलेगा, इल्यूशन प्रोफाइल, कौन पहले इल्यूशन हुआ, किसका पहले इल्यूशन हुआ, किसका बाद में हुआ, इसका पहले हुआ, इसका बाद में हुआ। तो साइज एक्सक्लूसन में जिसका पहले होता है, दिस इज लार्जर। साइज एक्सक्लूशन में जिसका बाद में होता है, दिस इज स्मॉलर। अंडरस्टूड? कम टू सीएम सेलुलोज कॉलम। सीएम सेलुलोज कॉलम मतलब कार्बोक्सी मिथाइल कॉलम। तो कॉलम इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर आपका कॉलम नेगेटिवली चार्ज्ड है, कौन सा प्रोटीन आप प्यूरिफाई कर पाओगे, पॉजिटिवली चार्ज वाला प्रोटीन। पॉजिटिवली चार्ज वाला प्रोटीन आपको कब दिखेगा, लास्ट में। यहां पे लास्ट में कौन है, बी। दिस विल बी कैटायन, दिस विल बी एनायन। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? नेक्स्ट, रिवर्स पेज। रिवर्स पेज में पहले कौन निकल के आता है, हाइड्रोफिलिक, बाद में होता है हाइड्रोफोबिक। तो दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? सबके समझ में आया? गुड, वेरी गुड। फाइनली हम लोग लैंडिंग कर ही गए, ठीक है। आई एम सॉरी, आज भी 9 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड प्रोटीन क्रोमोग्राफी। ओके, जबरदस्ती नहीं बोलना है कि हाँ सर समझ गया, बट आई फील कि अगर आप सही से हमको सुने थे, डेफिनेटली यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सट्रीम पेशेंस, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। गुड नाइट, आई विल कैच यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। ओके, प्लीज टेक केयर। एंड जितना क्वेश्चन आपको मिल रहा है किसी भी ओपन सोर्स से, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, गुड नाइट।